ये है आर्क, डायनासोर से भरी हुई एक मैजिकल दुनिया। यहाँ पर डायनासोर के साथ सर्वाइव करना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बट हमारे इस जर्नी को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम पूरे 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं पीवीपी। यस गाइस, हम जो है ना गाइस घुस चुके हैं यहाँ पे खुद के पीवीपी सर्वर में, एंड गाइस इस सर्वर में हम पूरे के पूरे 100 डेज सर्वाइव करने वाले, और 100 डेज में हम यहाँ पे अपना खुद का बेस बना के जो दूसरे ने बनाए हुए बेसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाले। तो गाइस इस 100 डेज वाली वीडियो में जो ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और ये वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा टाइम जो ना गाइस वो लगा है। तो गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो ना गाइस वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और काफी ज्यादा हमको सपोर्ट करेगा और काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं गाइस फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को हम 5000 लाइक का एम रख रहे हैं, जैसे इस वीडियो को 5000 लाइक हो जाएंगे हम वैसे इसका पार्ट 200 डे वाला रिलीज कर देंगे गाइस। तो फटाफट गाइस लाइक कर देना जिन्होंने भी अब तक लाइक नहीं करा होगा, और गाइस जो भी सारे वीडियो देख रही है तो गाइस सारे बंदे अगर एक साथ मिलके लाइक का बटन वो नीचे वो दबा दोगे ना तो 5000 लाइक ऐसे ही चुटकियों में एक दिन में हो जाएंगे यार। तो फटाफट गाइस किसका इंतजार कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस हमारे साथ जो ना नूब पीवीपी में खेल रहे गाइस, नूब पीवीपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस 3 नूब एक ट्राइब में रह के इस पीवीपी सर्वर में 100 डेज सर्वाइव करने वाले। तो क्या गाइस हम यहाँ पे तीन नूब कौन है गाइस, एक हमारा हैरी पॉटर, एक हमारी गेमिंग विद एनी, और गाइस स्वयं तुम्हारा भाई सबसे बड़ा नूब। तो 3 नूब इस पीवीपी सर्वर में पूरे 100 डेज सर्वाइव करने वाले। तो इस जर्नी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और ये जर्नी 100 डेज के रूप में जो ना गाइस मेरे चैनल पे जो है ना वीडियो के स्वरूप में आने वाली है। और गाइस अगर आपको इसके डेली एपिसोड्स देखने तो वो सारे डेली एपिसोड्स में गेमिंग विद एनी के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप डेली एपिसोड नूब पीवीपी के देख सकते हो। और गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कराने बोलना। हैरी और एनी के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उनके चैनल पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और तुम्हारे भाई की डेली प्राइमल फेयर और अलग अलग गेम की वीडियो एनी के चैनल पे अपलोड होती रहती है, गेमिंग विद एनी करके चैनल का नाम है, तो वहां पे जाके वो वीडियो भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चले भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू, एंड देखते हैं गाइस कि पूरे के पूरे 100 डेज हम इस नूब पीवीपी में सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, 3 नूब इस भाई पीवीपी में सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखना। तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू कर दे, और बोल दूं तो भाई मजा डाल दे गाइस, लेट्स गो। डे वन की शुरुआत होती है गाइज रैग्नारोक के हाईलैंड से। मैं हाईलैंड पे गाइज यहाँ पे डे वन पे स्पॉन हो गया था, और मैंने जो अपना कैरेक्टर है वो छोटी सी एक भाई लड़की का बना दिया था, क्योंकि लड़की का जो भाई बॉडी होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, और कैरेक्टर छोटा बनाने के कारण हैरी ने इसे बोला था कि हमको अगर पीवीपी करने में कोई मारने के लिए आ जाए तो उसको मारना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपनी जो ना फटाफट से लेवल अप करके मेरी मूवमेंट स्पीड, हेल्थ और गाइज यहाँ पे जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। एंड मेरे को दूर दूर के पूछना था हैरी के पास। हैरी ने इस सर्वर में कुछ दिन पहले अपना एक छोटा सा बेस खाली बना के रखा था, और उसको टेरेट बेरेट लगा के सुरक्षित कर दिया था। उसने कोई भी डायनो बिनो टेम नहीं करा था, उसने बस एक हाईलाइट की जो लाइट हाउस के नीचे क्यू होती है उसके अंदर छोटा सा बेस बना के रखा था, और मेरे को दूर दूर के उसी बेस तक पहुंचना था। अभी यहाँ पे रास्ते में से जाते जाते मेरे को अलग अलग डायनोज और छोटे छोटे से जो बेस देना गाइज जो कि पहले से टूटे हुए थे वो दिखाई दे रहे थे। तो मैं फटाफट दूर दूर के पूछ गया गाइज यहाँ पे हैरी के पास। हैरी के पास पहुंचने के बाद मैंने फटाक से जो ना गाइस उसकी ट्राइब यहाँ पे ज्वाइन कर ली, क्योंकि हैरी ने काफी ज्यादा चीजें जो है गाइस वो पहले से बना रखी थी। जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो वो एक क्लिप टावर जो ना क्लिप प्लेटफॉर्म लगा के उसके ऊपर टेरेट टावर बना रहा था, और गाइस यहाँ पे जो ना गाइस वो टेरेट टावर हमारी जो अंदर की गुफा है उसको सिक्योर रखने वाला था। तो मैंने फटाक से हैरी से यहाँ पे जो ना टेलीपोर्टर का जो रिमोट है वो मांगा, क्योंकि मेरे को इस सर्वर में जो टाटक किट मिलती है पीयूपी वाली वो लेनी थी, क्योंकि उस में हमको पीटी और कुछ खतरनाक सा आर्मर और गन मिलती है। और गाइस यहाँ पे एनी जो है ना गाइस वो भी थोड़े टाइम में यहाँ पे सर्वर में ज्वाइंट होने वाली थी, और एनी को लेने के लिए मेरे को जाना था गाइस यहाँ पे, इसलिए मैंने फटाक से जो है ना गाइस जो हैरी का घर उसने बनाया था वहां पे टीपी मार दिया। और जब मैंने इसके घर पे टीपी मारा तब मैं ये देख के भाई शौक हो गया कि इसने जो ना भाई पूरी की पूरी क्यू के अंदर हर तरफ जो ना क्लिप प्लेटफॉर्म लगाए, और उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ना गाइस यहाँ पे छोटे छोटे से टेरेट टावर बना के जो ना गाइस एकदम ओपी वाला गाइस इस बेस को बना दिया है। अभी मैंने फटाक से गाइस यहां पे क्या करा, इनग्राम अनलॉकर जो है ना गाइस वो यहां पे मैंने यूज करके सारे के सारे जो मेरे इनग्राम्स है ना गाइस वो यहां पे अनलॉक कर लिए, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें जो है ना गाइस वो यहां पे अभी बनानी थी।
इनग्राम जो है गाइस वो सारे के सारे अनलॉक हो गए थे। अभी मेरे को जो ना गाइस जो पीयूपी स्टार्टअप किट होती है वो लेनी थी, बट वो लेने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले बनाना पड़ता रिवॉर्ड वॉल्ट, और रिवॉर्ड वॉल्ट बनाने के लिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मेटल जो ना गाइस उसकी कमी पड़ रही थी, तो मैंने फटाफट जो ना गाइस बाहर जाके कुछ पत्थर जो है वो तोड़े, उनसे जो ना गाइस यहाँ पे मेटल लेके मैं वापस से घर पे आया, वहां पे रिवॉर्ड वॉल्ट बनाया। रिवॉर्ड वॉल्ट के अंदर गाइस काफी ज्यादा अलग अलग किट्स मेरे को दिखाई दे रही थी, उसमें से जो गाइस बेस किट थी ना वो मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, क्योंकि उसके अंदर को एलिमेंट और बेस बनाने के लिए कुछ सामान और एक पीटी जो ना गाइस वो मिल रहा था। फिर मैंने अपना जो पीटी था ना गाइस उसको बाहर निकाला, उसके ऊपर जो ना गाइस यहां पे सैडल लगाया, सैडल लगाने के बाद उसकी थोड़ी सी लेवल अप आ गई थी, तो उसकी वेट में और स्टैमिना में जो ना गाइस मैंने मैक्स टू मैक्स जितने भी पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट डाल दिए। ये सारे काम करते करते एनी जो है ना गाइस वो भी यहां पे हाइलैंड्स पे स्पॉन हो गई थी, तो मैं अपने पीटी को जो ना गाइस लेके यहां पे निकल पड़ा एनी को जो ना गाइस यहां पे पिकअप करने के लिए, क्योंकि उसको ये गुफा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और इस लोकेशन पे जो ना गाइस कैसे आना है वो भी पता नहीं था। तो मैंने जो ना भाई पीटी को हवा में थोड़ा सा लेवल अप करा और मैं निकल गया गाइस यहाँ पे एनी को पिकअप करने के लिए। रास्ते में मेरे को जो ना गाइस काफी ज्यादा बेस जो ना गाइस वो दिखाई दे रहे थे, बट उन सबको इग्नोर मार के मैं यहाँ पे फटाफट से उड़ उड़ के एनी के पास पहुंच गया। मेरे को एनी के पास जाते जाते गाइस यहाँ पे रास्ते में जो ना गाइस एक डेड सील दिखाई दी थी, जब मैंने उसको हार्वेस्ट करा तो उस डेड सील को मार के मेरे को लगभग यहाँ पे गाइज 3 से 4 लाख केरिटिन मिल गया। एक्चुअली मैं ये सर्वर जो ना गाइज वो 100x सर्वर है, बट यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग जो ना गाइज वो ऊपर नीचे होने के कारण ये सर्वर जो ना गाइज वो 1000x से भी ज्यादा खतरनाक वाला बन गया था। तो मैंने बहुत सारा जो ना गाइज यहाँ पे केरिटिन ऑयल और स्पॉइल मीट एंड हाइड जो ना गाइज वो इकट्ठा करा, एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे निकल गया वापस से एनी को ढूंढने के लिए। मुझे गाइज यहाँ पे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, एनी जो ना गाइज वो यहाँ पे मेरे को थोड़ी दूर जाने पे मिल गई थी, और भाई उसने जो ना गाइस एक अजीबो गरीब जो ना गाइस स्किन भी यहाँ पे लगा के रख दी थी। तो मैंने फटाक से जो ना गाइस एनी को यहाँ पे अपने ट्रैप में लिया, ट्रैप में लेने के बाद एनी को जो ना गाइस मैंने टेलीपोर्ट कर दिया अपने वो गुफा वाली केव पे, उस केव पे। केव पे पहुंचने के बाद मैंने एनी को जो ना गाइस यहाँ पे पीवीपी किट और बेस किट जो होती है ना वो कैसे बाय करती है वो गाइस यहाँ पे सिखाया, और मैंने भी जो ना गाइस यहाँ पे पीवीपी किट जो ना गाइस वो बाय कर ली, क्योंकि पीवीपी किट में हमको असेंडेड वाला आर्मर, असेंडेड वाली जो भाई एडवांस स्नाइपर राइफल होती है वो मिलते, और वो जो राइफल है वो पीवीपी फाइट में काफी ज्यादा काम आने वाली थी। तो मैंने फटाफट पीवीपी किट जो ना गाइस वो यहाँ पे खरीद ली, उसके अंदर जो आर्मर था गाइस वो आर्मर पहन लिया, और गाइस सारे इनग्राम जो ना गाइस वो अनलॉक करने के कारण मेरे पास काफी सारी जो स्किन्स है ना गाइस वो यहाँ पे आ गई थी। तो गाइस वही स्किन जो ना गाइस अलग अलग स्किन में अपने आर्मर के ऊपर जो ना गाइस लगा के ट्राई कर रहा था कि कौन सी वाली स्किन जो ना गाइस वो यहाँ पे ओपी लग रही है। मैंने काफी ज्यादा अलग अलग तरीके एब्रेशन वाली, उसके बाद मैं अलग अलग की जो जेनेसिस वाली स्किन थी वो ट्राई करी, बट फाइनली जाके जो ना गाइस यहां पे काफी ज्यादा दौड़ने के बाद मेरे को ये जो स्पिरिट वाली कुछ दिख रही है ना गाइस, आई थिंक ये मे बी एक्सटेंशन वाली स्किन है, ये वाली स्किन जो ना गाइस वो काफी ज्यादा पसंद आ गई, क्योंकि इसमें जो ना गाइस मैं एक चलता फिरता भूत जो है ना गाइस चलता फिरता घोस्ट लग रहा था, और ये स्किन जो ना गाइस मेरे को काफी पसंद आई थी, और आपको पूरी सीरीज में जो ना गाइस ये स्किन मेरे यहां पे जो ना शरीर के ऊपर दिखने वाली है। तो मैंने वो जो भाई पूरी की पूरी घोस्ट वाली स्किन है ना गाइस वो यहां पे लगा दी। फिर उसके बाद जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे फटाक से जो अपने एडवांस स्नाइपर राइफल है ना गाइस उसके लिए भाई बिल्कुल भी कोई भी गोलियां दी नहीं गई थी, तो वो गोलियां जो है ना गाइस वो रेप्लिकेटर के अंदर जो है ना गाइस वो बना डाली। उसके बाद जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे जो अपने रिवॉर्ड वॉल्ट होती है उसके अंदर से जो एलिमेंट वाली किट होती है ना गाइस वो खरीद ली। मैंने जो ना गाइस सर्वर में भाई मैसेज करके दूसरों से एलिमेंट की भीख भी मांगे थे, बट किसी ने भी यार मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मेरे को जो ना गाइस एलिमेंट वाली किट यहाँ पे खरीदनी पड़ी, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो ना हैरी के पास जितने भी सारे एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट उसने जो ना गाइस यहाँ पे टेक वाले जो बड़ी बड़ी सी गन्स होती है ना गाइस वो बनाने के लिए यूज करे थे, और अभी हैरी के पास उतने ज्यादा एलिमेंट नहीं बचे थे, और मेरे को एलिमेंट इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं टेक वाला जो सूट का जेट पैक होता है ना गाइस वो बनाना चाहता था, क्योंकि वो बनाने के बाद जो ना गाइस अपन बड़े आराम से हवा में उड़ सकते थे। तो मैंने फटाक से जो ना गाइस यहाँ पे एलिमेंट जो ना गाइस वो किट से ले लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे डायनोस को नॉकआउट करने के लिए एक छोटी सी गन जो है ना गाइस वो मिलती है वो बनाई, उसकी थोड़ी सी जो ना गाइस यहाँ पे मैंने एमो बनाई, और वो बनाने के बाद मैंने रेप्लिकेटर के अंदर जाके जो एलिमेंट मैंने भाई अभी किट से लिया था उसी एलिमेंट से जो ना गाइस यहाँ पे एनी के लिए और मेरे लिए जो ना गाइस दो दो यहाँ पे खतरनाक से टेक वाले जो भाई सूट के चेस्ट पीस होते हैं ना गाइस वो बना दिए। तो फाइनली गाइस एक दिन के अंदर हमारे पास जो ना गाइस टेक वाला जो सूट है ना गाइस वो भी आ गया था, और ये रहा गाइस हमारा खतरनाक सा बेस। देख रहे हो गाइस हैरी ने हर तरफ जो ना गाइस यहाँ पे जो टेक वाले प्लेटफॉर्म होते
ना गाइस वो लगा दिए थे और उनके चारों तरफ सिर्फ टेरेट ही टेरेट लगा दी थी ताकि कोई भी अगर अपने बेस के अंदर घुसने की कोशिश करे तो ये टेक वाली जो टेरेट है गाइस वो उसको भाई फुल टू डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड कर दे। और उसने जो ना गाइस अपने जेनी के आजू बाजू एक शील्ड भी बना के रखी थी ताकि कोई भी अगर अपने जनरेटर को तोड़ने की भी कोशिश करे ना तो वो जिंदगी में जनरेटर को तोड़ ना पाए। उसके बाद गाइस मैंने जो ना गाइस यहाँ पे फटाक से सोल गन जो ना गाइस वो बना दी क्योंकि अभी टाइम आ चुका था गाइस डायनोस को टेम करने का, क्योंकि हैरी ने जो ना गाइस यहाँ पे जो चोर पंछी होता है ना गाइस जो अपना सामान चुराता है उसके अलावा कोई भी डायनो जो ना गाइस वो यहाँ पे टेम नहीं करा था। तो हमें फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे करनी थी अभी टेमिंग ताकि हम जो ना गाइस डायनोस को टेम करके रेड मारने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर सके। और उतने में जो हमारे हैरी पॉटर सर जी है गाइस वो यहाँ पे जो ना गाइस टेरेट टावर जो ना गाइस वो बनाए जा रहे थे ताकि अपने जो बेस का डिफेंस है ना गाइस वो एकदम तगड़ा वाला हो सके। तो गाइस इस वक्त जो ना गाइस हम जन्नत में है, एक्चुअली में ये एरिया जो है ना गाइस घास फूस वाला ग्रीन ग्रीन एरिया है उसको मैं जन्नत बुलाता हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए हम जन्नत में, और यहाँ पे जो ना गाइस सबसे ओपी वाला जो डायनो मिलता है वो होता है गाइस गीगा। तो मैं निकल गया गाइस यहाँ पे गीगा को टेम करने के लिए, बट वहां पे जब मैं पहुंचा जहाँ पे गीगा स्पॉन होते तो वहां पे जो ना गाइस एक बंदे ने अपना बेस जो ना गाइस वो पहले से बना रखा था। और पीवीपी में ओपन में बेस बनाना जो ना गाइस वो काफी ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ओपन में जो ना गाइस आपके ऊपर चारों तरफ से जो ना गाइस यहाँ पे हमला हो सकता है। और अभी हमने ठान लिया था कि अगर हमको बेस उड़ाना है तो इसी बंदे का उड़ाना है क्योंकि हम इस सर्वर में जो ना गाइस लगभग 15 दिन लेट जो ना गाइस वो आए थे और ये जो भाई बेस था वो था एक्स मैन का। और हमने ठान लिया था कि हमको जो ना गाइस इसका बेस अभी उड़ा देना है क्योंकि इसका बेस ओपन में था और एकदम ईजी टारगेट था हमारे लिए और हमारे पास अभी कोई भी डायनो नहीं था। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे गीगास को ढूंढ के जो ना गाइस टेम करना था एंड उनको टेम करने के बाद कुछ जो ना गाइस उसके जो टेरेट के आमो है वो सोखने के लिए कुछ जो ना गाइस खतरनाक से डायनो जो हाई हेल्थ वाले होते हैं उनको टेम करना था एंड उसके बाद उसके बेस पे रेड करना था। तो काम जो ना गाइस वो काफी ज्यादा बचाव हुआ था एंड यहाँ पे जो हाईलैंड वाली जो भाई एक केव होते हैं ना गाइस उसके अंदर भी किसी ने बेस बनाया था बट वो बेस जो ना गाइस उसका पूरा का पूरा जो ना गाइस स्वाहा किसी ने पहले ही कर दिया था। फिर मैं जो ना गाइस उस बेस को देख के निकल गया आगे गीगास को ढूंढने के लिए। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद जो है ना गाइस मेरे को कोई भी गीगा यहाँ पे नहीं मिला। उतने में हैरी ने बताया कि अपने पास ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसके अंदर भाई लोकेशन देख लेना गीगा के और जाके टेम कर लेना। तो फटाक से जो ना गाइस मैं वापस से निकल गया अपने बेस पे जाने के बाद जब मैंने यहाँ पे डायनो स्कैन करने की कोशिश करी ट्रांसमीटर के अंदर तो वहां पे लिख के आ रहा था कि तुमको जो ना दो और ट्रांसमीटर लगाने पड़ेंगे। मतलब गाइस यहाँ पे जितने बंदे ट्राइब में होंगे ना गाइस उतने ट्रांसमीटर जब तक आपके पास नहीं होते तब तक आप कोई भी डायनो जो ना गाइस वो स्कैन नहीं कर सकते। तो मैंने फटाक से जो ना गाइस यहाँ पे दो और ट्रांसमीटर जो ना गाइस वो बना के लगा डाले। वो ट्रांसमीटर एक्टिव करने के बाद यहाँ पे अभी डायनो शो होने लग गए थे। तो अपने मैप में जो ना गाइस टोटल हमको सिर्फ दो ही गीगा दिखाई दे रहे थे क्योंकि मैक्सिमम जो सारे के सारे गीगा थे ना गाइस वो बंदों ने पहले ही टेम कर लिए थे। तो जो 270 लेवल का गीगा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा था उसकी लोकेशन मैंने फटाक से जो ना गाइस वो यहाँ पे लिख ली एंड उसकी लोकेशन लेने के बाद अपने पीडी को लेके गाइस मैं निकल गया उसको टेम करने के लिए। तो गाइस गीगा को टेम करने के लिए हैरी एंड और मैं तीनों लोग जो ना गाइस वो निकल गए क्योंकि आपको पता ही है कि गीगा को नॉकआउट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। जो हमारा नूब पीवीपी का पहले एपिसोड थे उसमें भी मैंने गीगा को नॉकआउट करा था बट उसको नॉकआउट करने में कम से कम 5 दिन लगे थे। और गाइस यहाँ पे एनी जो है ना गाइस उसके पास जो है ना गीगा को नॉकआउट करने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। तो मैंने फटाक से उसको जो ट्रैंक वाली गन है और ट्रैंक वाले हैरो जो ना गाइस वो बना के दे दी एंड उतने में हैरी ने जो ना गाइस एक गोली मार के उस गीगा को तुरंत ही नॉकआउट कर दिया था क्योंकि सर्वर जो है वो 100x है और उसमें जो ना गाइस यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ गोलियां वेस्ट नहीं करनी पड़ती। मैं खामखा जो ना गाइस बेस पे आ गया था और तीन लोग गए थे एक गीगा को टेम करने के लिए जबकि गीगा जो ना गाइस एक दो गोलियों में डायरेक्टली नॉकआउट हो गया था। तो मैं फटाक से जो ना गाइस एनी के साथ साथ वहां पे टेलीपोर्ट मारता है जहां पे हैरी ने गीगा को नॉकआउट करा था एंड उसके अंदर जो ना गाइस मीड डाल के फटाक से हमने जो ना गाइस उस गीगा को यहां पे टेम कर लिया। तो गाइस यहां पे जो ना गाइस डे 2 की स्टार्टिंग तक जो ना गाइस हमारे पास एक 404 लेवल का खतरनाक एंड ओपी सा जो गीगा है ना गाइस वो आ गया था। और गाइस ये गीगा जो ना गाइस देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। और हैरी ने जो ना गाइस फन के लिए यहां पे जो टेक वाली भाई एक बोट होती है ना गाइस वो बोट बोलते हैं इसको मैं भी वो बोट जो ना गाइस वो बना ली थी और उसको जो ना गाइस चला के हैरी यहाँ भी फुल टू मजे ही मजे कर रहा था। वो अलग बात थी कि इस बोट के ऊपर अगर कोई एक दो गोलियां भी मारता ना गाइस असेंडेड वाले राइफल से तो ये बोट जो ना डायरेक्टली यहाँ पे टूट जाती। तो गाइस हैरी जो ना गाइस जब तक हावो बोट से वहां पे मजे कर रहा था तब तक एनी और मैं जो ना गाइस यहाँ पे बेस पे आ गए। बेस पे आने के बाद जो ना गाइस यहाँ पे जो सेकंड गीगा था जो कि काफी ज्यादा लो लेवल का था बट हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था भाई। तो हमने जो ना गाइस जो लो लेवल का सेकंड गीगा था ना गाइस उसकी भी लोकेशन यहाँ पे निकाली। उसके लोकेशन पे पहुंचने के बाद जो ना गाइस उसको हमने जो ना गाइस यहाँ पे फटाक से एक दो गोलियां
मार के जो ना गाइस या फिर नॉकआउट करा। नॉकआउट करने के बाद उसके अंदर मीट डाल के फटाक से जो ना गाइस जो हमारा सीक्रेट वाला गीगा था उसको भी हमने जो ना गाइस यहाँ पे टेम कर लिया। अभी हमारे पास जो ना गाइस यहाँ पे आ गए थे दो दो गीगा गाइस। अभी ये जो दो दो गीगा थे ना गाइस ये दो गीगा हमने क्यों टेम करे थे आपको भी बताया गाइस, क्योंकि गाइस हमको यहाँ पे करनी थी ब्रीडिंग और इनकी ब्रीडिंग करके जो ना गाइस हम इनके खतरनाक से आर्मी बनाने वाले थे। बट गाइस यहाँ पे जो ना गाइस सबसे ज्यादा बड़ी वाली दिक्कत क्या थी बताया गाइस, हमको जो ना ब्रीडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी और इस केव के अंदर हैरी ने हर तरफ जो ना टेरेट ही टेरेट लगा डाले थे। तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम ब्रीडिंग करने के लिए कहाँ पे चले जाओ, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए काफी ज्यादा जगह जो ना गाइस वो लगती है। तो गाइस हम यहाँ पे देख रहे थे कि जगह कहाँ पे मिलेगी हमको ब्रीडिंग के लिए। तभी मैंने देखा कि हैरी ने इस गुफा के अंदर हर तरफ जो ना गाइस क्लिफ प्लेटफॉर्म लगा रखे है और उनके बीच में जो ना गाइस कोई भी सामान उसमें नहीं रखा था। उसने जो ना गाइस उनके आजू बाजू सिर्फ टेरेट टावर बना दिए थे। तो जो बीच वाली जगह है ना गाइस वो काफी ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पे हम हमारी ब्रीडिंग जो ना गाइस बड़े आराम से कर सकते थे। तो जब गाइस हमने ब्रीडिंग करने का काम जो ना गाइस वो शुरू करा तभी हमने देखा कि हमने जो दो गीगा टेम करे ना वो दोनों के दोनों गीगा गाइस यहाँ पे फीमेल है और फीमेल की तो गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन गाइस कोई टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि हमारे पास जो म्यूटेटर है ना गाइस उससे हम जो ना गाइस इनमें से किसी एक गीगा का जो ना गाइस जेंडर चेंज कर सकते हैं और उनके बाद जो ना गाइस इनकी यहाँ पे ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैंने फटाक से जाके रिप्लिकेटर के अंदर जो ना गाइस यहाँ पे एक म्यूटेटर बनाया। अभी एनी जो ना गाइस उसके म्यूटेशन के बारे में खास कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे को भी कुछ खास पता नहीं था। बट हैरी ने जो ना पिछली वीडियोस में मेरे को कुछ चीजें सिखाई थी तो वही चीजें जो ना गाइस अभी मैं एनी को सिखाने वाला था। तो मैंने गाइस क्या करा यहाँ पे जो ना गीगा के सामने लगा दिया गाइस म्यूटेटर। गीगा के सामने म्यूटेटर जो ना गाइस वो लगा के मैं आनी को बता रहा था कि इसमें अलग अलग मोड होते हैं, वो मोड चेंज हमको करने पड़ते हैं। तो मैंने उसके अंदर जे जे भाई एलिमेंट डाला, आनी ने जो ना तुरंत ही गाइस यहाँ पे ई दबा के जो भाई पल्स होती है ना गाइस वो यहाँ पे रिलीज कर दी। एंड मेरे को पता भी नहीं था कि आनी ने जो ना गाइस यहाँ पे कौन सी पल्स रिलीज करी है। बट जो भी पल्स रिलीज करी थी उससे गीगा का जेंडर जो ना गाइस वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो ना गाइस चेंज नहीं हुआ था। और गाइस हमारा एक म्यूटेटर जो ना गाइस वो 5 मिनट के कूल डाउन पे यहाँ पे जा चुका था। तो मैं जो ना दूसरा म्यूटेटर लेके आया और इस बार मैंने आनी को समझाया कि म्यूटेटर को जब तक मैं बोलता नहीं तब तक हाथ नहीं लगाना। तो दूसरा वाला म्यूटेटर जो ना गाइस वो लगा के मैंने आनी को बताया कि इसमें अलग अलग तरह की म्यूटेशन वाली पल्स होती है, जेंडर चेंज करने वाली, स्वाइप करने वाली, असाइन करने वाली पल्स, जेंडर असाइन करने वाली पल्स होती है, वो सारी चीजें जो ना गाइस मैंने आनी को यहाँ पे समझा दी। एंड उसके बाद जो ना जेंडर चेंज करने वाली जो पल्स होती है वो हमने रिलीज करी। बट वो पल्स रिलीज करने के बाद भी जो ना गाइस यहाँ पे उस गीगा का जेंडर चेंज नहीं हुआ था। तो गाइस इसमें जो ना गाइस हमारे काफी ज्यादा एलिमेंट तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। उसके बाद गाइस हमने जो ना म्यूटेटर की रेंज थोड़ी सी बढ़ाई, उसके अंदर जो ना गाइस जेंडर स्वाइप वाली जो पल्स है गाइस वो डाल के वो पल्स चार्ज करी और हमारा जो गीगा था ना गाइस उसका जेंडर तुरंत ही यहां पे चेंज हो गया था और हमारा जो 400 लेवल का गीगा है गाइस ये बन गया था यहां पे मेल। एंड हमारे पास अभी जो ना गाइस लगभग भाई 146 लेवल की फीमेल यहां पे पड़ी हुई थी। तो उन दोनों को बाहर निकालने के बाद जो ना गाइस एनी ने उनका जो भाई मेटिंग है ना गाइस वो यहां पे चालू करा और कुछ ही सेकंड में जो ना गाइस हमको उन गीगा का जो अंडा है ना गाइस वो भी यहां पे मिल गया। अभी हमारे पास जो ना गाइस यहाँ पे अंडा आ चुका था, अभी वो टाइम था गाइस अंडा हैच करने का। तो फटाफट गाइस हमने जो ना गाइस यहाँ पे 10-12 एयर कंडीशनर जो ना गाइस वो लगा डाले। एंड उसके सामने जो ना गाइस अंडा जब हैच करने के लिए डाला तब हमने देखा कि इसको हैच होने में टोटल जो ना 29 मिनट यहाँ पे लग रहे। बट गाइस टेंशन वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि जो हमने भाई पीयूबी किट ली थी ना गाइस उसके अंदर हमको मिलती हैचरी और हैचरी के अंदर जो अंडा है ना गाइस वो काफी ज्यादा तेजी से जो ना गाइस यहाँ पे हैच होता है। तो मैं फटाफट गया गाइस मेरे एक बक्सों में जो ना गाइस जो सारा सारा किट के अंदर मिलता है वो सामान रखा था, उस सामान में से जो हैचरी है ना गाइस वो मैंने यहाँ पे ले ली। वो हैचरी जो है ना गाइस वो हमने जो है ना जहाँ पे ब्रीडिंग चल रहा था वहीं पे लगा दी ताकि ये हैचरी जो है ना अंडे सारे के सारे जो ना गाइस वो इकट्ठा कर सके। एंड गाइस कुछ ही टाइम में इसने जो ना गीगा का अंडा जो ना गाइस वो अपने इन्वेंटरी के अंदर ले लिया और यहाँ पे जो ना गाइस वो अंडा हैच होने का काम जो ना गाइस वो अभी चालू हो चुका था और ये गीगा का अंडा इस हैचरी के अंदर जो ना काफी ज्यादा जल्दी जो है ना यहाँ पे हैच होने वाला था। तो गाइस यहाँ पे कुछ ही दिनों में हमारी जो छोटू मोटू सी ब्रीडिंग है
है ना गाइस वो भी चालू हो गई थी एंड अभी टाइम आ चुका था गाइस अलायंस बनाने का। अभी गाइस हमारे पास जो ना गाइस ज्यादा डायनो नहीं थे तो हमने जो ना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा और हमने सोचा एक काम कर लेते, हम जो ना गाइस इस सर्वर में काफी ज्यादा अलग अलग ट्राइब जो ना गाइस वो खेलती रहती है तो उनमें से किसी एक ट्राइब के साथ जो ना अलायंस बना लेते एंड उनके साथ अलायंस बनाने के बाद हमको उनके जो डायनोज है ना गाइस वो भी फ्री में मिल जाएंगे और हमको ज्यादा टेमिंग जो ना गाइस डायनोज की वो करनी नहीं पड़ेगी। तो फटाफट जो ना अलायंस बनाने के लिए गाइस हम लोग ने भाई ग्रीन अब्लिक पे यहाँ पे टीपी मारा। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस जय बाबा योगेंद्र करके भाई एक जो अलायंस थी ना गाइस उसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया एंड गाइस ये अलायंस ज्वाइन करने से जो ना गाइस हमको फायदा ये हुआ कि ये जो भाई इन अलायंस वाले जय बाबा योगेंद्र वाले जो मेंबर थे ना इन लोग ने हमको काफी ज्यादा गाइस यहाँ पे हेल्प करी। इनके पास जो डायनोस थे ना कुछ गाइस वो इन लोग ने जो ना गाइस हमको यहाँ पे दे दिए थे जो कि थे पैरासिटामोल भाई। ये डायनोस जो ना गाइस इनका नाम मेरे से पढ़ा नहीं जाता इसलिए हम इनको पैरासिटामोल बोलेंगे। तो ये पैरासिटामोल डायनोस जो ना गाइस वो काफी ज्यादा हाई लेवल के थे प्लस गाइस इन सारे डायनो के ऊपर जो ना गाइस यहाँ पे लगा हुआ था असेंडेड वाला सैडल जिससे जो ना गाइस स्टेरॉइड का डैमेज जो इनको पड़ेगा ना वो काफी ज्यादा कम पड़ने वाला था। अभी जो ना गाइस ये जो डायनोज है इनको यहाँ पे लेके मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि हमारे पास चार फीमेल और गाइस एक मेल जो ना गाइस आ गया था और इनकी ब्रीडिंग करा के जो ना गाइस हमको इनकी एक आर्मी जो ना गाइस वो पूरी की पूरी बनानी थी। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे जो सारे के सारे डायनोज थे ना गाइस उनका ब्रीडिंग चल इनेबल मेटिंग जो ना गाइस वो चालू करके उनका ब्रीडिंग जो ना गाइस वो करना यहाँ पे शुरू कर दिया एंड गाइस इनकी ब्रीडिंग से जो ना गाइस हमको काफी ज्यादा खतरनाक स्टैट्स वाले डायनोज मिलने वाले थे क्योंकि जो डायनो हमको यहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए मिले थे वो 600-600 लेवल के थे प्लस गाइस इनका जो हेल्थ देना गाइस वो लगभग 2-3 लाख तक था गाइस। यस 2-3 लाख तक हेल्थ था इनका और उतने टाइम में जो ना गाइस हैरी ने यहाँ पे कुछ कछुए जो ना गाइस वो भी टेम कर लेते। अंडर वाटर जो फाइट होती है ना गाइस उसमें कछुए काफी ज्यादा काम आते प्लस कछुओं का जो ना आर्मर भी होता है खुद का एक तो उस रीजन से उनके ऊपर जो डैमेज है ना वो काफी ज्यादा कम पड़ता है। तो गाइज जब तक हम यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे थे तब तक हैरी जो ना गाइज उस तरफ कछुए कुछ टेम कर रहा था और गाइज हमारे पास जो डायनोस ब्रीडिंग के लिए आए थे ना गाइज उन डायनोस की हेल्थ काफी ज्यादा कम थी इसलिए एनी और मैं जो ना गाइज यहाँ पे निकल गए डिओडॉन को टेम करने के लिए क्योंकि डिओडॉन ऐसा डायनो होता है गाइज जिसके अंदर अगर आप कुक्ड मीट डालते हो ना तो वो हीलिंग का काम जो ना गाइज काफी ज्यादा खतरनाक वाला करता है और हमारे जो डायनोस थे उनको हील करे बिना हम पीवीपी फाइट में जो ना उतार नहीं सकते थे इसलिए हमने जो ना गाइज फटाक से यहाँ पे जो डिओडॉन हमारे बेस के नजदीक गए जो भी डिओडॉन था ना गाइस उनकी लोकेशन हमने फटाक से गाइस यहां पे निकाल ली। उनकी लोकेशन जो ना गाइस वो निकालने के बाद हमने जो ना गाइस यहां पे ग्रीन ऑब्लिक पे सीधा-सीधा टीपी मार दिया क्योंकि जो लोकेशन थी ना डिओडॉन की वो थी आइस वाली बायम के और आइस वाले बायम में जाके जो ना गाइस हमको यहां पे उन्हीं डिओडॉन को टेम करने का काम करना था और यहां पे मैं जो ना थोड़ा सा हंग्री हो रहा था तो मैंने फटाक से जो कच्चा मीट था ना गाइस वो भी यहां पे खा लिया। वैसे एनी जो ना गाइस वो यहां पे हर एक डायनो को देख के जो ना गाइस बोल रही थी चलो भाई ये डायनो टेम करते वो डायनो टेम करते बट यहां पे मैक्सिमम ऐसे डायनोस थे जो पीवीपी में किसी भी काम नहीं आते। तो एनी को गाइस यहाँ पे जो ना एक एलोसोरस का झुंड दिखाई दे रहा था और एनी बोल रही थी कि इन एलोसोरस को हम टेम कर लेते काफी काम आएंगे बट एलोसोरस जो ना गाइस मेरे हिसाब से पीवीपी में उतने ज्यादा काम नहीं आते। तो मैंने एनी को बोला अभी फिलहाल के लिए एलोसोरस को छोड़ देते और हम चलते सीधा गाइस यहाँ पे जो ना गाइस डिओडॉन को टेम करने के लिए। और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया ये जो ना गाइस सीरीज जो हमने एनी के साथ रिकॉर्ड करी थी ना गाइस उसकी डिटेल में लंबी लंबी वीडियो जो ना गाइस वो एनी के चैनल पे यहाँ पे पड़ी हुई है अगर आपको देखना है तो एनी के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप वो वीडियो जो ना डिटेल में देख सकते हो। आपको जो ना 100 डे वाली सीरीज में जो ना गाइस काफी ज्यादा कट करके जो ना वीडियो देखने को मिलती है बट अगर आपको ये वीडियो फुल कन्वर्सेशन के साथ देखनी है तो एनी के चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चले गाइस अभी अपन चलते फटाक से डिओडॉन टेम करने के लिए। तो गाइस पीडी को लेके मैं आइस वाले बायम में पहुंच गया था और यहाँ पे जो डिओडॉन थे ना गाइस वो इन अर्जेंटेविस से पंगा ले रहे थे तो मैं ये नहीं चाहता था कि अर्जेंटेविस जो ना गाइस वो डिओडॉन को मार दे इसलिए मैंने फटाक से जो भी अर्जेंटेविस यहाँ पे दिख रहे थे ना गाइस उनको गोलियां मार के जो ना गाइस यहाँ पे बेहोश कर दिया। उनको बेहोश करने के बाद गाइस हम निकल गए डिओडॉन को नॉकआउट करने के लिए। इस डिओडॉन को जो ना गाइस मैं नॉकआउट नहीं करने वाला था क्योंकि एनी जो ना गाइस उसको मैक्सिमम करके डायनो जो ना गाइस उनको ऐसे भाई पैदल भाई टेम कैसे करते वो बता नहीं रहा तो मैंने बोला चलो मैं इसको मेरे पीछे पीछे भगाता हूँ एनी तुम उसको बेहोश कर देना। और एनी ने एक दो गोलियां मार के बड़े आराम से इस डिओडॉन को जो ना गाइस यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था। बट हम आए थे गाइस यहाँ पे 400 लेवल का डिओडॉन टेम करने के लिए और हमको मिला था 255 लेवल का डिओडॉन। तो हम जो ना गाइस थोड़ा सा आगे निकल गए गाइस मैक्स लेवल के डिओडॉन को देखने के लिए तब हमको पता चला कि ये जो पूरा एरिया है ना गाइस आइस वाला बायोम यहाँ पे हर जगह पे सिर्फ डिओडॉन ही डिओडॉन भरे पड़े और हर एक डिओडॉन जो ना गाइस किसी ना किसी से उंगली कर रहा था। तो हमको इस वाले एरिया में जितने
भी डियोडॉन दिखाई दे रहे थे ना गाइस, उन सारे डियोडॉन को जो ना गाइस हमने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, और उसमें से जो भाई ठीक ठाक लेवल के हमको डियोडॉन लग रहे थे, लगभग 200 लेवल का 400 लेवल का, उन डियोडॉन को जो ना गाइस हमने यहाँ पे टेम करा। उनको टेम करने के बाद जो ना गाइस हम यहाँ पे निकल गए गाइस अपने बेस के पास, क्योंकि अभी इन डियोडॉन के अंदर जो ना गाइस मीड डाल के उनको जो ना गाइस यहाँ पे हीलिंग के काम पे हमको लगाना था। घर पे जाने के बाद गाइस फटाक से जो ना गाइस मैंने दो इंडस्ट्रियल ग्रिल जो होती है ना गाइस वो बना दी, क्योंकि कुक्ड मीट जो है ना गाइस वो इन्हीं ग्रिल के अंदर जो ना हम कुक करने के लिए डालने वाले थे, और उसी कुक मीट से जो ना गाइस हमारे डियोडॉन हमारे सारे के सारे लो हेल्थ वाले जो डायनोज है उनको यहाँ पे हील करने वाले थे। जब मैं गाइस इंडस्ट्रियल ग्रिल लगा के भाई यहाँ पे वापस जा रहा था, तब मैंने देखा कि हमारे जो पैरासिटामोल है ना गाइस उन लोग ने यहाँ पे अपने जो बेबीज है ना गाइस वो दे दिए, बट हमारे जो भाई पांच यहाँ पे चार फीमेल और एक मेल में से जो चार फीमेल थी उनमें से सिर्फ एक ही फीमेल ने जो ना गाइस यहाँ पे अपने बच्चे दिए थे, बाकी के जो फीमेल के बच्चे ना गाइस वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। मे भी ये जो बाकी के बच्चे ना गाइस वो शायद कहीं पे जो ना गाइस या तो मर गए होंगे या फिर कहीं पे जो ना गाइस ग्लिच से भाई गायब हो गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या हुआ, बट भाई फिलहाल के लिए भाई उतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। तो मैंने जो भाई ये छोटे छोटे से जो बच्चे थे ना गाइस उनको क्रायो कर दिया, एंड उसके बाद जो ना गाइस डियोडॉन को बाहर निकाल के अभी उसके अंदर जो ना गाइस मीट हमको डालना था, बट हमारे पास बिल्कुल भी जो ना गाइस बेस पे मीट नहीं पड़ा हुआ था। तो जो दो छोटे बच्चे थे गाइस उनको मैंने जो ना गाइस यहाँ पे बड़ा होने के लिए बाहर निकाल के गाइस वहां पे रख दिया। इनकी इन्वेंटरी में जो ना गाइस यहाँ पे बेरी डालना जरूरी था, वरना हंगर से जो ना गाइस ये बच्चे यहाँ पे मर जाते। तो गाइस उसके बाद जो हमारा डियोडॉन सर्जी था उसके ऊपर जो ना गाइस सैडल बना के मैंने लगा दिया, और डियोडॉन का जो फूड बार है ना गाइस उसकी फूड बार में जो ना फूड में भाई हमने सारे के सारे जितने भी लेवल अप आए थे उतने दे दिए, क्योंकि आपको पता है कि डियोडॉन जो ना गाइस उनका फूड बार जितना ज्यादा होता है गाइस उनकी हीलिंग जो ना उतनी ज्यादा तेजी से होती है गाइस। यहाँ पे उनका फूड बार एक बार खत्म हो गया तो हीलिंग जो ना गाइस वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। तो मैंने जो ना गाइस इस डियोडॉन का जो फूड बार है गाइस वो पूरा का पूरा गाइस यहाँ पे फुल कर दिया। हमारे पास जो मीट था ना गाइस वो हमने कुक करने के लिए यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा मीट जो है ना गाइस वो कुक हो गया था वो हमने जो ना इस डियोडॉन के अंदर डाल के जो ना गाइस जिसका फूड बार जो है ना वापस से भाई यहाँ पे बढ़ा के उसकी पैसिव हीलिंग जो है ना गाइस वो चालू कर दी, और अभी हमारे जो यहाँ पे जो भाई लो हेल्थ वाले डायनोस थे उनकी हेल्थ जो ना गाइस एकदम तगड़ी तरीके से फुल होने वाली थी। बट गाइस इनकी हेल्थ फुल होने में हमको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, और गाइस जितना हमारे पास मीट था ना उतने से काम नहीं बनने वाला था। अभी हमको जो है ना गाइस काफी ज्यादा मीट की और जो बेरीज है ना गाइस उनकी जरूरत थी, क्योंकि गाइस मीट और बेरीज के बिना हमारे जो डायनोज है उनकी जो ना गाइस यहाँ पे भूखे पेट ही मौत हो जाती, हंगर से ही मौत हो जाती। इस रीजन से जो ना गाइस मैं यहाँ पे फटाक से बाहर जो ना गाइस काफी ज्यादा बेरीज इकट्ठा करने के लिए गया। मैंने जो ना गाइस यहाँ पे भाई रात तक काफी सारी बेरीज जो ना इकट्ठा कर ली थी, इतनी बेरी इकट्ठा कर ली कि मैं खुद ओवरवेट हो गया। उसके बाद गाइस मैंने जो ना गाइस यहाँ पे अपने बेस पे टीपी मारा, बेस पे टीपी मारने के बाद मैंने जो ना गाइस कुछ यहाँ पे फीडर बनाए, फीडर मैंने जहाँ पे हमारी ब्रीडिंग हो रही थी वहां पे लगाया, उसके अंदर जो ना गाइस मैंने बेरी डाली। अभी मेरे पास भाई यहाँ पे जो ना काफी ज्यादा सीड एंड फाइबर जो ना गाइस वो बचा हुआ था, तो वो सीड एंड फाइबर जो ना गाइस यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए मैंने कुछ एक दो वॉल्ट बनाए गाइस, वो वॉल्ट लगा के उसके अंदर सारा सामान जो ना गाइस वो मैंने सिक्योर रख दिया। अभी जो ना गाइस मेरे को चाहिए था मीट, तो मैंने वापस से भाई यहाँ पे पीडी को उठाया और मैं निकल गया गाइस रात में मीट जो ना गाइस उसका जुगाड़ करने के लिए। मेरे को रास्ते में एक ब्रोंटोसॉरस मिला, उस ब्रोंटो की जो ना गाइस हमने यहाँ पे फुल तो हवा टाइट कर दी उसको मार के जो ना गाइस मेरे को काफी ज्यादा प्राइम मीट मीट और हाइड मिल गया था। अभी ये जो ब्रोंटो है उसको मारने के बाद मेरे को साइड में एक येलो ड्रॉप दिखाई दिया, तो मैंने जाके जो ना ये येलो ड्रॉप लूटा और उसमें मेरे को एलिमेंट मिल गए, जो कि मेरा टेक सूट है ना गाइस वो चलाने के काफी ज्यादा काम आने वाले थे। तो एलिमेंट अपने पास आ चुके थे, अपने पास मीट आ गया था, अपने पास बेरी आ गई थी, तो मैंने सारा सामान लेके जो ना गाइस यहां पे बेस पे सीधा टीपी मार दिया। घर पे आने के बाद गाइस जितना भी मीट मेरे पास था सारा का सारा मैंने इंडस्ट्रियल ग्रिल के अंदर डाल दिया, और वहां पे अभी दबा के मीट प्राइम मीट जो ना गाइस वो कुक हो रहा था, और इसी कुक प्राइम मीट से जो ना हम हमारे डायनोज को हील करने वाले थे। तो गाइस अभी करने के लिए अपने पास खास कुछ काम नहीं बचा था, हमारे बच्चे जो है हमारे मतलब जो हमारे डायनोज जो पाए पैरासिटामोल थे उनके जो बच्चे गाइस वो बच्चे बड़े हो रहे थे, उसके बाद गीगा का अंडा यहाँ पे हैच हो रहा था, और जो हमारे पास डायनो थे भाई एकदम 3-4 लाख हेल्थ वाले उनकी हेल्थ जो ना गाइस वो फुल हो रही थी, डियोडॉन अपना एकदम मस्त बिकी काम कर रहे थे, तो सब कुछ जो ना गाइस एकदम मस्त बिकी चल रहा था गाइस। थोड़े टाइम बाद गाइस जो हमारा गीगा का अंडा था गाइस वो भी यहाँ पे हैच हो चुका था, और गाइस यहाँ पे हमने सोल टर्मिनल की ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि
यहाँ पे जो भी अंडा हैच हो जाता है ना डायरेक्ट उनके बच्चे जो है ना सोल टर्मिनल ऑटोमेटिकली सोल करके अपने अंदर ले लेता। तो हमको जो ना गाइस यहाँ पे अभी इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। और हैरी ने जो कछुए लेके आया था ना गाइस उनकी भी ब्रीडिंग हमने कर दी थी और उनके दो तीन बच्चे जो है ना गाइस वो भी सोल टर्मिनल के अंदर यहाँ पे पड़े हुए थे। अभी उनको जो ना बाद में बाहर निकाल के उनकी हेल्थ बिल्ड और लेवल अप करके जो ना गाइस उनको हम बड़ा करने वाले थे। तो अभी जो ना गाइस एनी मैडम जी ने गाइस एक फरमाइश करी और एनी भाई फरमाइश करे और हम कंप्लीट ना करे इज्जत तो नहीं हो सकता है ना गाइस। तो गाइस इसलिए जो ना गाइस एनी की जो फरमाइश है एनी ने वैसे फरमाइश करी थी कि उसको जो ना गाइस यहां पे ग्रिफिन चाहिए क्योंकि जो पीटी है ना गाइस वो पीटी के साथ साथ उड़ना जो ना गाइस काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और पीटी का स्टैमिना भी काफी ज्यादा जल्दी डाउन होता है और उसकी स्पीड भी काफी स्लो होती है। तो एनी ने बोला एनी को ग्रिफिन चाहिए इसलिए हैरी और मैं जो ना गाइस दोनों निकल पड़े एनी के साथ यहां पे ग्रिफिन को टेम करने के लिए। ग्रिफिन टेम करने के लिए अंधेरी रात में गाइस एनी मैं और हैरी अपने पीटी लेके जो ना गाइस निकल पड़े ग्रिफिन वैली पे। और भाई रात का जो लुक था ना गाइस ये एकदम खतरनाक लग रहा था भाई। चांद भाई कितना खूबसूरत लग रहा है देखो और चांद की रोशनी में तो भाई एकदम क्या ही खूबसूरत सा माहौल बन गया था। लेकिन माहौल का क्या अचार डालेंगे हमको चाहिए था ग्रिफिन। दम फटाक से जो ना गाइस निकल गए ग्रिफिन वैली पे। ग्रिफिन वैली पे पहुंचने के बाद जो ना गाइस यहां पे मैंने सबसे पहले अपना जो पीटी था उसको क्रैव करा एंड गाइस यहां पे मेरे को ग्रिफिन वैली में जो ना गाइस एक दो ग्रिफिन दिखाई दे रहे थे। एक ग्रिफिन था गाइस 180 लेवल का मैंने उसको एक दो गोलियां मार के गाइस डायरेक्टली यहां पे नॉकआउट कर दिया। अभी नॉकआउट करने के बाद गाइस यहां पे इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो ग्रिफिन जो ना गाइस वो कहां पे गिरा है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गामा जबकि पांच कर रखा था मैं यहाँ पे जो ना गाइस अंधेरे में भाई उस ग्रिफिन को ढूंढ रहा था बट मेरे को कहीं पे भी वो ग्रिफिन नहीं मिला। बट गाइस थोड़ी दूर पे मेरे को एक और ग्रिफिन जो ना गाइस वो दिखाई दिया जो कि 75 लेवल का था। उसको भी हमने नॉकआउट करा और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे 390 लेवल का एक वेलेनोसॉर था भाई उसको भी मैंने इसे जस्ट भाई टाइम पास के लिए नॉकआउट कर दिया। अभी गाइस ये वेलेनोसॉर जो ना गाइस वो आगे जाके हमारे काफी काम आने वाला है। वो कैसे वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अभी मेरे पास जो ना गाइस बस कुक्ड नॉर्मल मीट था वही मैंने जो ना गाइस ग्रिफिन को खिला के 75 लेवल वाला जो ग्रिफिन था उसको टेम कर लिया। एक्चुअली मैं प्राइम मीट लेके आना जो ना गाइस भूल गया था और गाइस उनको टेम करते करते थोड़ा सा जो ना गाइस उजाला हो गया था। उजाला होने के कारण गाइस जो ग्रिफिन मैंने पहले नॉकआउट करा था ना गाइस वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया। उसके अंदर भी मैंने सेम गाइस यहाँ पे जो ना गाइस कुक्ड मीट डाल के उसको भी यहाँ पे टेम कर लिया और ये 269 लेवल का हो गया था। 69 गाइस ओपी बोल दे। दो ग्रिफिन टेम करने के बाद जो 390 लेवल का वेलेनोसॉर था ना गाइस उसको भी टेम करने का काम मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड गाइस अभी जो ना गाइस हैरी के लिए थर्ड एक और ग्रिफिन हमको ढूंढना था। तो हम गाइस यहाँ पे ग्रिफिन वैली में काफी ज्यादा टाइम तक जो ना गाइस हैरी के लिए ग्रिफिन ढूंढते रहे बट हमको जो ना गाइस कहीं पे भी यहाँ पे जो ना गाइस ग्रिफिन दिखाई नहीं दिया। जो ग्रिफिन वैली में दो ग्रिफिन थे ना गाइस वो हम पहले टेम कर चुके थे और अभी इस ग्रिफिन वैली में एक भी ग्रिफिन नहीं था। तभी गाइस एनी के ऊपर जो ना गाइस यहाँ पे एक नेमलेस ने हमला कर दिया और अपने चुटकू चुटकू से जो भाई यहाँ पे नेमलेस के बच्चे होते हैं ना गाइस उनको भी इसने बुला लिया। तो मैंने नेमलेस को जो ना गाइस वहां पे पट्टे से हेडशॉट मार के पेलम पाल दे दिया। उसके बाद जो ना गाइस एनी को जो मैक्स लेवल का ग्रिफिन था ना हमारे पास वो दे दिया क्योंकि गाइस एनी के पास अगर हम लो लेवल के डायनो देते रहे तो एनी बहुत ज्यादा जल्दी उनको मरवाती है। इसलिए मैंने जो ना गाइस मैक्स लेवल का ग्रिफिन एनी को यहाँ पे दे दिया। उसके हम आराम से बैठ के जो ना गाइस यहाँ पे लेवल अप कर रहे थे तभी जो ना गाइस एक रीपर ने पीछे से आके हमारे ऊपर जो ना गाइस हमला करना शुरू कर दिया। तो एनी को मैंने बोला फटाक से भाई बेस पे चल दे क्योंकि अगर भाई इस हालत में ग्रिफिन के ऊपर किसी ने हमला करा तो ग्रिफिन की पेटी बन जाएगी क्योंकि ग्रिफिन के लेवल अप के कारण हेल्थ जो ना गाइस वो काफी ज्यादा कम थी। तो हम जो दो ग्रिफिन टेम करके लाए थे ना गाइस उनको बेस पे लेके चले गए उनकी लेवल अप करके उनकी हेल्थ में काफी ज्यादा पॉइंट डाल दिए। वो ड्यूडॉन जहाँ पे रखे थे ना गाइस वहीं पे उनको हील करने के लिए हमने रख दिया। उसके बाद गाइस जो भी हमारे पास अंडे हैच हो गए थे ना गाइस उनमें से जो छोटे छोटे बेबी निकले थे उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया। 261 लेवल का एक भाई छोटा सा गीगा का बच्चा है ना गाइस वो भी अपने पास था और कछुए के जना 3 से 4 छोटे छोटे से बच्चे गाइस जो अपने पास आ चुके थे। एंड जिन जिन डायनोज की यहाँ पे लेवल अप आ गई थी ना गाइस उन डायनो के सारे डायनो के मैंने लेवल अप कर दिए और मैक्स टू मैक्स सबके जो ना गाइस मैंने हेल्थ में पॉइंट डाल दिए और इन सबका जो गाइस ब्रीडिंग है ना गाइस वो मैंने वापस से चालू कर दिया। अभी गाइस बस हमको जो ना गाइस यहाँ पे इंतजार करना था गाइस हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ना गाइस भर भर के डायनो जो ना गाइस वो हमने यहाँ पे डाल रखे थे और गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग का और मेटिंग का काम जो ना गाइस वो दबा के चल रहा था और जो डायनो जो ना गाइस जिनकी हेल्थ कम थी ना गाइस उनको हील करने का काम भी अपने डिओडॉन एकदम मस्त बेकी कर रहे थे। बस अभी हमको जो ना गाइस काफी ज्यादा दिन तक ये प्रोसीजर रिपीट रिपीट करते रहना था। उनका मेटिंग करना था उनका बच्चा बाहर निकालना था बच्चे को भाई वापस से बड़ा करना था उन बच्चों का वापस से मेटिंग कराना था। तो ये सारा काम जो ना गाइस हमको रिपीट 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 पे करते जाना था।
कुछ दिनों के बाद गाइस जो हमारे कछुओं के बच्चे थे ना गाइस, वो बच्चे यहाँ पे हो चुके थे बड़े। एंड गाइस उनकी लेवल अप जो ना गाइस वो भी यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने फटाक से जो ना गाइस जो कछुओं के बच्चे थे उनके जो हेल्थ है ना गाइस, उसमें हेल्थ में काफी ज्यादा पॉइंट डाल दिए। जो गीगा का गाइस हमारे पास बच्चा था ना गाइस, वो पता नहीं कैसे बट वो मर गया। उसके अंदर जो ना गाइस हमने मीट डाल के नहीं रखा था, हमको लगा था कि वो बच्चा जो ना गाइस फीडर के अंदर से मीट जो ना गाइस खींच के खा लेगा और उसकी जो फूड बार है वो बढ़ा देगा। बट वो बेचारा जो ना भूख के मारे गाइस यहाँ पे मर गया और अपन का काफी ज्यादा बड़ा लॉस है ना गाइस, वो यहाँ पे हो चुका था। लेकिन कोई ना, हमारे पास दो गीगा पहले से पड़े हुए थे तो उनका ब्रीडिंग करके हम वापस ही गीगा का जो अंडा है ना गाइस वो यहाँ पे निकाल सकते थे। तो गाइस इसे हमारे काफी ज्यादा दिन जो है ना गाइस वो डायनो की ब्रीडिंग कराने में, बच्चों को बड़ा कराने में, उन बच्चों को इम्प्रिंट कराने में गाइस निकल गए। एंड गाइस ऐसे करते करते लगभग भाई 15 से 20 दिन जो है ना गाइस ये सारा काम जो है ना गाइस हमको करना पड़ा। तो ये सारा का सारा काम करते करते जो ना गाइस जो बेस हम उड़ाने वाले थे ना गाइस, उस बेस के आजू बाजू हम चेकआउट कर रहे थे गाइस कि हम उस बेस को कैसे उड़ा सकते हैं। एंड तभी वहां पे जो ना गाइस हमको एक बंदा मिला। वो बंदे ने जो ना गाइस मेरे को तो कुछ करा नहीं गाइस, मेरे को बिल्कुल भी मारा नहीं। बट हैरी जैसे उसके सामने आ गया ना, तो हैरी को मार के हैरी का सामान लेके जो ना गाइस वो भग गया। अभी मैं जो ना गाइस पीवीपी में हूँ एकदम बहुत ज्यादा बड़ा वाला नूब, तो मेरे को जो ना गाइस उसको मारने में डर लग रहा था क्योंकि हैरी को उसने दो फटकों में डायरेक्टली हेडशॉट मार के पूरा आर्मर असेंडेड वाला तोड़ के मारा था। तो मेरे को लग रहा था मेरे को भी भाई दो पटकों में मारेगा, इसलिए मैं उसको मार नहीं रहा था, वो बंदा भी मेरे को मार नहीं रहा था। फिर हैरी जो ना गाइस वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसका जो सामान है ना गाइस वो पूरा उस बंदे ने ढाप लिया था। इसलिए गाइस मैं जो है ना गाइस जब वो बंदा ऐसा भाई थोड़ा सा अकेले में भाई बैठा हुआ था ना ऊपर में, तब मैंने कुछ भाई रेड चिल्ली और शैडो स्टिक भी कुछ खाई और उसके ऊपर जो ना गाइस हमला बोल दिया और उसका जो आर्मर है ना गाइस वो मैंने 2-3 गोलियों में गाइस यहां पे तोड़ दिया था। वो बंदा चारा निकला, उसने जो ना गाइस अपने गीगा के ऊपर वापस राइड करा, अपना आर्मर जो ना गाइस वो चेंज करा और गीगा के ऊपर मेरे जो गन है ना गाइस उसका डैमेज बढ़ रहा था काफी ज्यादा कम। तो जब तक वो गीगा के ऊपर बैठा है ना गाइस मैं उसको बिल्कुल भी मार नहीं सकता था और मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई भी पावरफुल डायनो नहीं था। इसलिए गाइस मैंने जो ना गाइस यहां से मारी सीधा घर पे कल्टी। घर पे आने के बाद जो ना गाइस हमको थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी, तो हमने यहाँ पे गन पाउडर, सीमेंटिक पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्सीडियन, जो नॉर्मल चीजें होती है ना गाइस वो सारी की सारी चीजें जो ना गाइस वो यहाँ पे बनाने के लिए डाल दी। और इनके साथ साथ हमारा ब्रीडिंग और गाइस डायनो को हील करने का और बच्चों को बड़ा करने का काम भी चालू था। हमारे जो गाइस यहाँ पे डायनोज है ना गाइस वो डायनो जो ना गाइस वो काफी ज्यादा स्लोली हील हो रहे थे। इसलिए गाइस मैं वापस से जो ना गाइस यहाँ पे आइस वाले बैम में गया। मैंने आइस वाले बैम में जो ना गाइस टेलीपोर्टर लगा रखा था, तो मैंने भाई डायरेक्टली टीपी मारा और वहां पे जो भी मेरे को ड्यू डॉन मिल रहे थे ना गाइस उन सारे ड्यू डॉन को मैंने बेहोश करा और उनमें से जो ना 2-3 भाई हाई लेवल के जो ड्यू डॉन थे ना गाइस उनको टेम करके मैं लेके आ गया गाइस अपने घर पे। क्योंकि गाइस इन ड्यू डॉन से जो ना गाइस अपन अपने जो डायनो से उनको काफी ज्यादा जल्दी जो ना गाइस हील कर सकते थे। मेरे पास सिर्फ 2 ड्यू डॉन थे पहले, वो 2 ड्यू डॉन जो ना गाइस उतने तेजी से जो ना डायनोज को हील नहीं कर पा रहे थे। बट अभी जो ना गाइस अपने पास 4 से 5 ड्यू डॉन आ चुके थे। तो इन सारे के सारे ड्यू डॉन को जो ना घर पे लेके जाके इनकी लेवल अप करके इनको सैडल पहना के मैंने इनके अंदर जो ना गाइस मीट जो होता है ना गाइस वो डाल दिया और इन सारे ड्यूडॉन्स की जो ना गाइस पे पैसिव हीलिंग जो ना गाइस वो इनेबल करके रख दी। अबे आप बोलोगे भाई तुम्हारे पास इतने सारे रॉक गोलेम कैसे आए? तो जिन ट्राइब के साथ गाइस हमने यहां पे अलायंस बनाया ना गाइस उन भाई ट्राइब के पास काफी ज्यादा गोलेम जो ना गाइस वो यहां पे पड़े हुए थे। तो उन्होंने जो ना गाइस हमको थोड़े से गोलेम जो ना गाइस वो यहां पे दे दिए क्योंकि उनके भाई बेस पे जो ना गाइस दूसरे डायनो का ब्रीडिंग और हीलिंग का काम चल रहा था और जगह कम पड़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये गोलेम तुम्हारे पास ही रखना और इनकी जो ना मैक्स लेवल अप करके जो ना इनको हील कर देना क्योंकि ये जो ना गाइस हमको आगे जाके जो ना गाइस फाइट में काफी ज्यादा काम आने वाले थे। तो हम लोग ने जो ना गाइस इन गोलेम्स की जो ना गाइस यहां पे लेवल अप करना चालू कर दिया और इन गोलेम्स की 4 से 5 लाख तक हेल्थ जा रही थी। और गोलेम की जो ना गाइस सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या होती है बताया क्या? गोलेम जब भी आप भाई पीवीपी में यूज करते हो तो गोलेम के पास एक स्पेशल आर्मर होता है, उसका पत्थर का शरीर होता है ना गाइस, उस रीजन से उसके ऊपर उतना ज्यादा डैमेज जो ना गाइस वो नहीं पड़ पाता। और गाइस जो हमारी अलायंस थी ना गाइस उस अलायंस ने हमको लगभग भाई 5 से 6 गोलेम जो ना गाइस वो फ्री में दे दिए थे। तो अपना काम जो ना गाइस वो तो यहाँ पे 25 हो चुका था, बस इनको जो ना गाइस यहाँ पे लेवल अप करके हील करने का काम हमको करना था। तो वो काम जो ना गाइस हमने फटाक से गाइस यहाँ पे शुरू कर दिया। तो गाइस अभी अपना जो गाइस ये ब्रीडिंग सेंटर था ना गाइस वो पूरा का पूरा भाई ओवरफ्लो होने लग गया था। हमने गोलेम्स को जो ना गाइस एक के ऊपर एक जो ना गाइस खड़े करके रख दिया था क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइस इन गोलेम्स को रखने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं थी। और ऐसे जो ना गाइस भसड़ में जो ना गाइस इन लोग का जो ना गाइस लेवल अप करना और
और हीलिंग करने का काम जो ना गाइस वो चल रहा था। अभी ये गोलेम जो ना गाइस इनको हील करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था और अपना काफी ज्यादा टाइम जो ना गाइस इन सारे डायनोज को ब्रीड करने में, हील करने में, उनके बच्चों को बड़ा करने में निकल गया। तो गाइस यहाँ पे हमारे 10 से 15 दिन जो ना गाइस डायनोज को हील करने में, बाहर जाके रिसोर्सेस इकट्ठा करने में, टेरेट टावर बनाने में और कुछ रिसर्च जो ना लाइक गन पाउडर, सीमेंटिंग पेस्ट, वो सारी चीजें जो ना गाइस क्राफ्ट करने में निकल गए और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो ना गाइस ब्रीडिंग में और गाइस डायनोज को हील करने में यहाँ पे लग रहा था। अपने काफी ज्यादा दिन जो है ना गाइस वो ऐसे फोकड़ में वेस्ट हुए जा रहे थे गाइस और अपने डायनोज उतने ज्यादा हील नहीं हो रहे थे। इसलिए गाइस हैरी, मे और एनी जो है ना गाइस वो अलग अलग जाके जो ना गाइस यहाँ पे स्नो आउल को टेम करने लगे, क्योंकि आपको पता ही होगा गाइस, जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि स्नो आउल होता है ना गाइस वो भी काफी ज्यादा तगड़ी वाली हीलिंग करने का काम करता है। ये जो है ना गाइस अपने आजू बाजू जो भी डायनो होगा ना गाइस उसको फ्रीज कर देता है पूरी तरह से और उस फ्रीजिंग में जो ना गाइस ये स्नो आउल उनको काफी तगड़ी वाली जो ना गाइस हीलिंग देता है। इसलिए गाइस हैरी और मैंने जो ना गाइस यहाँ पे एक एक स्नो आउल जो ना स्नो बाइब में जाके गाइस फटाक से टेम कर लिया और जो हमारे अलायंस थी ना गाइस वो अलायंस वाले बंदे मेरे को अपना बेस जो ना गाइस वो देखने के लिए बुला रहे थे, तो मैंने फटाक से टीपी मार दिया गाइस उनके बेस पे। तो गाइस जब मैं उनके बेस पे गया ना तो भाई उनका बेस देख के मैं यहाँ पे चौंक गया गाइस। जिन लोगों ने जो ना गाइस अंडर वाटर मशरूम क्यू में जो ना गाइस बेस बना रखा था और गाइस हर तरफ जो ना गाइस इन लोगों ने टेरेट ही टेरेट लगा डाली थी भाई, एक भी ऐसा कोना नहीं था जिस कोने में टेरेट ना लगी हो। और गाइस इनके जो डायनोज है ना गाइस उनका ब्रीडिंग भी काम यहाँ पे चल रहा था, उसके पास इनके पास जो ना गाइस रीपर भी थी, गीगा भी थे, उसके बाद पैरासिटामोल भी थे, गोलेम भी थे, भाई अलग अलग तरह के डायनोज जो ना गाइस उनकी ब्रीडिंग का काम जो ना गाइस अलग अलग जगह पे चल रहा था और मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे सिर्फ 10 फ्रेम रेट मिल रहे थे। मैं अपनी जगह से जो ना गाइस उतना ज्यादा हिल नहीं पा रहा था लैग के कारण। अभी गाइस मेरा इतना ज्यादा लैग हो रहा था ना गाइस यहाँ पे गेम की मैं आपको क्या बताऊं। अभी इनका पूरा बेस जो ना गाइस वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो आने के बाद काफी ज्यादा बंदों को इनके बेस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाता। बट गाइस यहाँ पे मेरा इतना लैग हो रहा था कि इस बंदे ने मेरे को भाई ग्रैपल करा और ग्रैपल करके जो ना गाइस ये मेरे को अपने डिफेंस दिखाने के लिए लेके चला गया। इन्होंने जो ना गाइस यहाँ पे जो मशरूम के उ में घुसने की जो जगह होती है ना वहां पे लाखों की तादाद में टेरेट लगा रखे थे गाइस और गाइज वो टेरेट जो ना लोड भी नहीं हो रहे थे मेरे यहाँ पे भाई, लोड होने में उनको भाई 1 से 2 मिनट लग गया और गाइज ये खुद लोग जो ना गाइज इस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे इतने सारे टेरेट टावर बना रखे थे और टेरेट रखे थे। और गाइज जिसका डर था वही हुआ, इतने ज्यादा जो ना गाइस लोड के कारण आखिरकार मेरा जो गेम होता है ना गाइस वो क्रैश हो गया यार। भाई मेरा पीसी बोल रहा था बेटा तेरे औकात के बाहर है भाई, उनके बेस के भाई जो डिफेंस है ना वो भाई पब्लिक को ना दिखा। तो गाइस यहाँ पे जो ना गाइस मैं वापस से अपने बेस भी रिकॉर्डिंग करके आ गया और मैं अपना स्नो आउल जो ना गाइस उसको भी साथ में लेके आ गया था। तो गाइस अपने जो बेस देखा ना भाई, यहाँ पे भाई बेस के नजदीक जाने से बंदों का अगर गेम क्रैश हो जाए तो वहां पे बंदे रीड क्या मारेंगे बताओ। और उन लोगों ने मेरे को पूरा अपना डिफेंस नहीं दिखाया क्योंकि डिफेंस दिखाने से पहले जो ना गाइस मेरा यहाँ पे गेम क्रैश हो गया था। बट उन लोगों ने इतनी सारी टेरेट टावर लगा रखी थी ना कि भाई वो खुद भी जो ना गाइस अंदर बाहर आने के लिए टेलीपोर्टर का यूज कर देते क्योंकि जो ना गाइस वो जो टेरेट टावर थी ना गाइस वो इतनी ज्यादा भाई भसड़ मचा के उन्होंने लगा रखी थी कि उनका खुद का वहां से बाहर जाना भी मुश्किल था। और गाइस अभी बेस पे आने के बाद ड्यूडॉन जो ना गाइस वो भी यहाँ पे हीलिंग का काम कर रहे थे और आप साइड में देख सकते हो कि हैरी जो ना गाइस वो अपने स्नो आउल से डायनो को फ्रीज करके हील करने का काम जो ना गाइस वो कर रहा है। तो मैंने भी अपना जो स्नो लेकिन इसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी। डियोडॉन प्लस गाइस यहां पे स्नो आउल का कॉम्बिनेशन जो ना गाइस वो तगड़ा वाला था और डियोडॉन और गाइस स्नो आउल का यूज करके जो ना गाइस हमने कुछ ही दिनों में जो ना गाइस यहाँ पे अपने सारे के सारे जो मैक्सिमम डायनोज थे पैरासिटामोल थे गोलेम्स को यहाँ पे हील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट हमारे जो सारे पैरासिटामोल थे, हमारे सारे कछुए थे ना गाइस, उन सबको हमने जो ना गाइस यहाँ पे फुल्ली हील कर दिया था। और गाइस यहाँ पे हील करने के साथ साथ जो ना गाइस डायनो को इम्प्रिंट करने का और इनके बच्चे निकालने का काम भी जो ना गाइस वो चालू था। तो गाइस अपनी जो अलायंस है ना गाइस उन लोग ने हमको जो ना गाइस यहाँ पे कुछ फूड की एंड गाइस कुछ ड्रिंक वाली जो भाई रेसिपीज होते हैं ना कस्टम रेसिपीज वो बना के दी थी क्योंकि उससे जो ना गाइस प्यूरिफाइड करते वक्त हमारी हेल्थ और हमारा खाना पीना जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ सकता था। तो हमने यहाँ पे कुछ भाई अजीबोगरीब दिखने वाले भाई बर्गर्स और कुछ अजीबोगरीब दिखने वाली जो गाइस यहाँ पे ड्रिंक्स होती है ना गाइस वो बना
निकाली और फाइनली गाइस काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद यस गाइस काफी ज्यादा दिन लग गए गाइस हमको यहाँ पे इन सारे डायनोज को बच्चों को बड़ा करने में और गोलेम्स की जो ना गाइस वो हेल्थ यहाँ पे फुल करने में। बट गाइस फाइनली यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जो ना गाइस हमारे मैक्स टू मैक्स सारे जो गोलेम है ना गाइस उनकी हेल्थ फुल हो चुकी थी। कुछ ऐसे गोलेम थे जिनकी हेल्थ अभी तक फुल हो रही थी एंड तभी जो ना गाइस यहाँ पे हमने सोचा कि हम जल्द गाइस यहाँ पे लावा गोलेम को मारने के लिए। अभी आपको पता होगा कि मैंने जो ना गाइस कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक वेलेनोसॉर टीम करा था। अभी ये वेलेनोसॉर का जो ना यूज क्या होता है वो मेरे को पता नहीं था। बस गाइस यहाँ पे जो हमारे अलायंस वाले बंदे उन्होंने हमको बताया कि जो वेलेनोसॉरस होता है ना गाइस वो लावा गोलेम को मारने में काफी ज्यादा काम आता है। उन्होंने मेरे को बोला कि इसकी जो ना गाइस बस 20-30 हज़ार हेल्थ करना और सारे पॉइंट इसके स्टैमिना और गाइस डैमेज में डाल देना एंड इसको हील करके जो ना लेके आना फिर हम चलते लावा गोलेम की फाइट करने के लिए। तो मैंने वैसे ही करा, मैंने अपने वेलेनोसॉरस को एकदम ओपी वाला लेवल अप करा, उसको अपने स्नोल ड्यूडन जो है ना गाइस उनसे भाई यहाँ पे हील करा और हील करने के बाद गाइस हम यहाँ पे निकल गए लावा गोलेम को मारने के लिए। लावा गोलेम वाली गुफा में जो है ना गाइस हमारे अलायंस वाले जो बंदे थे ना गाइस वो लेके आ गए थे गाइस यहाँ पे मेगा थेरियम। और मेगा थेरियम आपको बताइए गाइस जो बग्स होते हैं ना गाइस उनके ऊपर काफी तगड़ा वाला डैमेज देता है। और भाई इस बंदे ने जो ना गाइस अलायंस वाले हमारे इस बंदे ने पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी गाइस यहाँ पे डायनोस थे ना गाइस उन सारे डायनोस की जो ना मेगा थेरियम से बैंड बजा दी एंड इन सबकी बैंड बजाने के बाद जो ना गाइस हम निकल गए गाइस आगे। और आगे हमको जो ना गाइस जितने भी ड्रॉप्स भी मिल रहे थे ना गाइस वो सारे के सारे ड्रॉप जो ना गाइस हम लूटते जा रहे थे। और यहाँ पे ड्रॉप लूटते लूटते जो ना गाइस कुछ बैट मेरे पीछे पड़ गए। बट मेरे पास जो ना गाइस असेंडेड वाली फैब्रिकेटेड राइफल थी तो उससे जो ना गाइस मैंने इन बैट्स को मस्त दबी की पेलम पाल दे दिया और मैं निकल गया गाइस आगे की तरफ। अभी गाइस यहाँ पे हमारे हैरी सर जी जो ना गाइस वो काफी ज्यादा बैट्स को अपने साथ हमारे पास लेके आ गए और हैरी को हो गया था कोरोना वायरस। और गाइस मेरे को भी जो ना गाइस हैरी को टच करने के बाद यहाँ पे जो वायरस है ना गाइस वो हो गया। और गाइस यहाँ पे अलायंस वाले बंदे और हमने जो ना गाइस यहाँ पे जग्गा डाकू भाई इस बंदे का नाम देख रहे हो जग्गा डाकू भाई तो जग्गा डाकू और मैंने मिलकर जो ना गाइस यहाँ पे सारे के सारे बैट्स को वेलेनोसॉर और मेगा थेरियम से जो ना गाइस फुल टू पेलम पाल दे दिया। अभी सारे के सारे जो डायनोस है ना गाइस और सारा का सारा खतरा जो ना गाइस वो टल चुका था एंड अभी हम आ चुके थे गाइस लावा गोलेम की केव के अंदर। और उन लोग ने मेरे को यहाँ पे दिखाया कि ये जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म होता है ना गाइस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को वेलेनोसॉरस को जो ना बाहर निकाल के रखना है और यहाँ से अगर मैं उस भाई लावा गोलेम को मारने की कोशिश करूँ ना तो उसका पत्थर जो ना गाइस जिंदगी में कभी भी गाइस इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी डायनोस हो या फिर कोई भी पर्सन हो ना गाइस उसको लगता नहीं है। ये काफी ज्यादा खतरनाक वाली टिप्स एंड ट्रिक जो ना गाइस वो मेरे को पता चल चुकी थी। थोड़ी टाइम बाद गाइस यहाँ पे लावा गोलेम जो ना गाइस वो यहाँ पे बाहर निकल गया और उसने पत्थर मारने का काम शुरू कर दिया। और मैंने भी जो ना गाइस वेलेनोसॉरस से उसके ऊपर जो ना गाइस अपने कांटे वाला अटैक जो ना गाइस वो देना शुरू करा। हम सारे मिलके जो ना गाइस इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे थे और गाइस यहाँ पे लावा गोलेम जो ना गाइस पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमने लावा गोलेम को लगभग एक मिनट के अंदर जो ना गाइस यहाँ पे फुल टू पेलम पाल दे दिया था। ये लावा गोलेम की जो ना गाइस हैरी मे और हमारे जो अलायंस वाले बंदे थे ना गाइस उन सबने मिलके जो ना गाइस फुल टू बैंड बजा के रख दी एक मिनट के अंदर। भाई साहब उल्टू मजे ही मजा आ गए। लावा गोलेम मरने के बाद जो ना गाइस हम यहाँ पे भाई उसके नजदीक गए और जो भी ड्रॉप थे और भाई लावा गोलेम की बॉडी थी उसके अंदर जो मेरे को भाई ब्लूप्रिंट मिलते थे भाई वो सारे ब्लूप्रिंट उठा लिए। हमने जो भी ड्रॉप यहाँ पे स्पॉन हुए थे वो सारे ड्रॉप उठा लिए। और गाइस लकीली मेरे को पैरासिटामोल जो हमारा डायनो है ना गाइस उसका असेंडेड वाले सैडल का जो ब्लूप्रिंट है ना गाइस वो यहाँ पे मिल गया था जो कि गाइस मेरे काफी काम आने वाला था क्योंकि मेरे पास जो ना गाइस नए पैरासिटामोल के जो बच्चे थे ना गाइस उनको मैं ये सैडल जो ना गाइस पहना सकता था और इसका आर्मर जो ना गाइस वो भी काफी ज्यादा तगड़ा वाला था। तो गाइस यहां पे घर पे आने के बाद जो ना गाइस जो मेरे को ब्लूप्रिंट मिला था पैरासिटामोल डायनो के सैडल का उससे जो ना गाइस मैंने काफी ज्यादा सैडल जो ना गाइस वो यहां पे बना के रख दिए। और ये सैडल जो ना गाइस जो मेरे पास बच्चे थे ना गाइस जो अभी-अभी हमको भाई मिले थे जिनकी मैंने मैक्स लेवल अप करी थी उनको जो ना गाइस मैं अभी पहनाने वाला था। पर गाइस यहां पे अभी तक जो ना गाइस हमको काफी ज्यादा काम करना बाकी था, हमको काफी ज्यादा ब्रीडिंग और डायनोस को हील करना बाकी था। तो कुछ दिन तक जो ना गाइस हमारा हीलिंग और ब्रीडिंग का काम जो ना गाइस वो कंटिन्यू चलता रहा। हम ऐसे ही डायनोस को जो ना गाइस बस देखते खड़े थे कि भाई ये कब हील हो जाएंगे और कब जाके हम पीवीपी जो ना गाइस यहाँ पे एकदम खतरनाक वाली बैटल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो ना गाइस जो हमारे अलायंस वाले बंदे थे ना गाइस उनसे मेरे को काफी कुछ सीखने के लिए मिला। जो हमारा जग्गा डाकू है ना गाइस उसने मेरे को ये बताया कि जो हमारा पैरासिटामोल होता है ना गाइस इसके जो भाई जहाँ पे बैठने वाली जगह होती है ना गाइस उस जगह पे राइडर जहाँ पे बैठते हैं अगर वहां पे हम वॉल्ट लगाते हैं गाइस ठीक है तो वो वॉल्ट क्या करते हैं पता है क्या गाइस जो राइडर है ना गाइस उस जगह पे लग जाते हैं और जब भी हम भाई उस डायनो को राइड करेंगे ना तो सीधा हम उस वॉल्ट के अंदर घुस जाते हैं। अभी कभी कभी पीवीपी में क्या होता है कुछ बंदे जो ना गाइस अपने कुछ टेररेट्स होते हैं
को सर्वाइवल ओनली करके रखते है, मतलब जो है ना गाइस वो टेरेट सिर्फ सर्वाइवल को मारते है, डायनो को नहीं मारते। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि अगर आप उनके सामने डायनो के ऊपर बैठ के चले भी जाओ ना, तो क्या होता है गाइस पता है क्या गाइस, वो टेरेट जो ना आपको डायरेक्टली उड़ा देते हो, डायनो वैसे के वैसे जिंदा रह जाता है। तो उससे बचने के लिए भाई यहाँ पे जो ना गाइस हमको क्या करना है, बस एक वॉल्ट जो है ना गाइस वो सामने की तरफ लगा देनी है, जिससे आप जैसे ही राइड करोगे आप वॉल्ट के अंदर चले जाओगे, जो टेरेट है ना गाइस वो आपको मारने की बजाय उस वॉल्ट को सारा डैमेज देगी और आप एकदम सुरक्षित रहोगे। तो ये खतरनाक वाली चीज जो है ना गाइस वो हमको जग्गा डाकू से सीखने को मिली भाई। और गाइस अभी हमको क्या करना था बताया, क्या गाइस हमको कुछ करना नहीं था, हमारे जो पैरासिटामोल देना गाइस उन सारे के ऊपर, सारे पैरासिटामोल के ऊपर जो ना गाइस मेरे को असेंडेड वाला सैडल लगाना था, एंड सेम टू सेम इसी तरह से जो ना गाइस उनको ट्रैकर की लाके जो ना गाइस उनके ऊपर जो ना गाइस मेरे को लगा देनी थी वॉल्ट। तो मैंने ये जो काम है ना गाइस वो करना शुरू कर दिया, जितने भी मेरे पास भाई सारे के सारे पैरासिटामोल थे ना गाइस उन सबके ऊपर जो ना गाइस मैंने ऐसे ही वॉल्ट जो ना गाइस वो लगा दी। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम जो ना गाइस वो हो चुका था, हमने जो ना गाइस सारी ब्रीडिंग जो ना गाइस वो कर रखी थी। हाँ अभी तो कुछ हमारे ऐसे डायनो थे जो मैक्स हील नहीं हुए थे, उनको हील करने के लिए हमने छोड़ दिया था, और जो भी डायनोस थे ना गाइस उनका यूज करके अभी हम करने वाले थे एक बेस पे रेड, जो कि हमारा ओपन में बेस हमने स्टार्टिंग में देखा था ना गाइस, उसी बेस के ऊपर जो ना गाइस हम यहाँ पे रेड करने वाले थे। तो गाइस वहाँ पे रेड करने से पहले जो ना गाइस जो भी सीपोर बिपोर जो भी सारी की सारी चीजें होती है ना गाइस वो मैंने यहाँ पे बनाने के लिए डाल दी थी। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे जो ना गाइस कुछ रॉकेट लॉन्चर और गाइस उनकी जो ना गाइस एमो बना ली, क्योंकि मेरे को जो ना गाइस चेकआउट करना था कि एक्चुअली में जो भाई वहाँ के उसने टेरेट लगा रखी है ना गाइस उन टेरेट की रेंज जो ना गाइस वो कहाँ तक है, ताकि हम वहाँ तक जो ना गाइस अपने टेरेट टावर जो ना गाइस वो बना के रख सके। एक्चुअली में इस सर्वर में जो ना गाइस सीन क्या है बताया, ये अपना खुद का सर्वर है, तो इसमें जो ना गाइस हमने जो पीवीपी कूलडाउन होता है ना गाइस वो बिल्कुल भी नहीं रखा है। मतलब इसका जो ना गाइस डिसएडवांटेज क्या है ना गाइस वो आपको थोड़े टाइम में गाइस यहां पे पता चलने वाला है गाइस, वो खास करके डिसएडवांटेज अपन के जैसे नूब बंदों को जो ना गाइस काफी ज्यादा भारी पड़ता है। तो गाइस मैं जो ना गाइस अपने रॉकेट लॉन्चर लेके चला गया और मैं देखने लग गया कि ये बंदा जो ना गाइस जो सामने की तरफ जिसने बेस बना रखा है ना गाइस उसकी टेरेट की जो रेंज है ना गाइस वो कितनी, और तब तक जो हमारे अलायंस वाले बंदे हैं ना गाइस वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए यहां पे खुद का एक टेरेट टावर बना रहे थे, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी करने आ जाए ना तो वो टेरेट टावर उसको डायरेक्टली उड़ा डाले। तो गाइस जब हमने बेस की इसकी रेंज चेक करी ना, इसकी टेरेट की रेंज चेक करी, तो उसकी रेंज जो ना गाइस उतनी ज्यादा नहीं थी, तो हम इसके जो ना बेस के काफी ज्यादा नजदीक जा सकते थे। प्लस इसने जो फाउंडेशन यहाँ पे लगा रखी थी ना गाइस वो भी हमको उसकी टेरेट से जो ना काफी ज्यादा बचाने वाली थी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा भाई नया बेस हमने बनाया था गाइस उस बंदे के बेस के बाहर, उसके बाहर जो ना जो टेरेट लगा के रखी थी उसके अंदर डालने के लिए हमारे पास एमो नहीं थी। तो मैंने जो ना गाइस घर पे आके बहुत सारा एमो, सीपोर, रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारी चीजें जो ना गाइस वो बना ली। और गाइस मेरे को बंदों ने बताया कि गाइस जो अलायंस वाले बंदे उन्होंने बताया कि मैक्सिमम सामान जो है ना गाइस वो भाई अपन को अपने साथ नहीं रखना, अपने साथ सिर्फ भाई 10 से 20 एमो रखनी है, और बाकी का सारा सामान जो होगा ना गाइस वो वॉल्ट के अंदर रखना है, ताकि इनकेस अगर अब हम कभी मर जाते ना तो मरने के बाद जो है ना गाइस यहाँ पे अपना सारा का सारा सामान एक साथ ना चला जाए। तो गाइस यहाँ पे सारी की सारी जो प्रिपरेशन जो है ना गाइस वो हो चुकी थी, एंड अभी टाइम था गाइस यहाँ पे रेड करने का। तो मैंने जो ना गाइस सबसे पहले जो बड़े बड़े से मेटल के गेट गाइस यहाँ पे बना के रखे ना गाइस उनको उड़ाने का जो ना गाइस सोचा, बट मैंने गलती से क्या करा गाइस तुम्हारा भाई नूबे भाई पीयूपी में, तो मैंने जो ना डोर फ्रेम की जगह पे जो गेट होते ना गाइस बड़े बड़े उनके ऊपर जो ना गाइस सीपोर लगा दिए। मेरे को लगा गेट पे सीपोर लगाऊंगा तो पूरा का पूरा गेट भाई उड़ जाएगा, बट गाइस ये बहुत ज्यादा नूब पंथी वाली हरकत थी, और ऐसी बहुत सारी नूब भाई हरकतें आपको आगे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अपन नूबे पीयूपी में पहले बता देता हूं भाई, ठीक है। चलो तो गाइस यहां पे जो ना गाइस मैंने गेट उड़ाया, उसके बाद हमारे अलायंस वाले बंदों ने बोला कि जो डोर फ्रेम है उसके ऊपर सीपोर लगाओ, डोर फ्रेम उड़ाओ डायरेक्टली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। तो उसके बाद मैंने जो ना गाइस यहां पे डोर फ्रेम के ऊपर जो ना गाइस यहां पे सीपोर लगा के उनके जो डोर्स थे ना गाइस सामने की तरफ वो सारे उड़ा डाले। और अभी टाइम था गाइस उसने जो फाउंडेशन लगा रखी है ना गाइस वो क्लियर करने का, क्योंकि उसने इतनी सारी फाउंडेशन गाइस यहां पे लगा रखी थी कि अपना बेस जो ना गाइस वो हम आगे लेके नहीं आ सकते थे। तो हमको ये सारी फाउंडेशन क्लियर करके जो ना गाइस अपना वो बेस है वो आगे लेके आना है, और उसके ऊपर जो ना प्रेशर बनाना था। तो हमने जो ना गाइस सबने मिलकर उसकी फाउंडेशन जो ना गाइस वो तोड़ने का काम जो ना गाइस धीरे धीरे यहाँ पे शुरू कर दिया। तो गाइस अपना जो जग्गा डाकू है ना जग्गा डाकू वो यहाँ पे अपने स्टेगो को लेके गया, और भाई यो जो एमो होती है ना गाइस टेरेट की वो सारी की सारी स्टेगो से सोखने लग गया। स्टेगो के ऊपर जो ना गाइस उसके टेरेट का बस 17 का डैमेज जा रहा था यार, उसने जो ना गाइस शायद भाई असेंडेड वाला जो सैडल है ना गाइस वो अपने स्टेगो को पहना रखा था, उस रीजन से उसके ऊपर जो डैमेज है ना काफी कम पड़ रहा था। और गाइस यहाँ पे फाउंडेशन उड़ाने के चक्कर में तुम्हारे भाई का जो चेस्ट पीस है ना गाइस वो भी उड़ गया था, देख रहे हो गाइस जो अपनी आत्मा थी ना गाइस वो यहाँ पे पूरी तरह से भाई चीर फाड़ हो गई थी अपने आत्मा की। और गाइस जो भी मेरे पास रिप्लेसमेंट वाला आर्मर था ना गाइस मेटल का वो मैं रिप्लेस कर करके जो ना गाइस यहाँ पे वो फाउंडेशन उड़ाने का काम कर रहा था। तो गाइस अभी यहाँ पे
पे भाई जो हमारे अलायंस वाले दोनों बंदे थे ना गाइज, उन दोनों बंदों ने जो ना गाइज यहाँ पे टेरेट का एमो सूखने का काम जो ना गाइज वो शुरू कर दिया। और जो भी टेरेट यहाँ पे डिसेबल हो रही थी, जिसका भी एमो खत्म हो रहा था ना गाइज, उसको हारी और मैं जो ना गाइज सीपोर से उड़ाने का काम कर रहे थे। बट गाइज हम रहे गाइज यहाँ पे नुब्बाते फुब्बा, तो हमको जो ना गाइज ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, क्योंकि गाइज टेरेट बेरेट उड़ाने का काम जो ना गाइज वो हमसे ना हो पाता है गाइज। हम जो ना गाइज यहाँ पे काफी ज्यादा नुब्बंदी वाली हरकतें कर रहे थे, और मैं जो ना गाइज यहाँ पे मरते मरते बचा था भाई, पूरा का पूरा आर्मर जो ना गाइज वो मेरा यहाँ पे उड़ गया था। फिर हमने जो ना गाइज इन लोग को बोला कि एक काम करना है, सीपुर विपुर लगा के उड़ाने का काम तुम लोग करना, क्योंकि वो मेरे से तो हो नहीं रहा था, हैरी कर रहा था बट मेरे से हो नहीं रहा था। और हैरी जो ना गाइज उसकी टेक वाली शील्ड है ना गाइज, वो भी टेक गन से जो ना तोड़ने का काम कर रहा था, उसको बस वीक कर रहा था। वो टेक वाली जो शील्ड है ना गाइज उसके पीछे लगभग 800 तो नहीं भाई, लेकिन 200 से 300 जो ना गाइस टेक और भाई यहाँ पे एडवांस वाली टेरिट लगा के रखी थी भाई। और गाइस अगर वो टेक वाली शील्ड पड़ती ना, तो वो 200 से 300 गन एक साथ हमारे डायरो के ऊपर हमला करती, और उससे ना हमारा डायरो ऐसा डिस्ट्रॉयड इन सेकंड हो जाता। तो हमको गाइस वो टेक वाली शील्ड है ना गाइस वो बस अभी वीक करके रखनी थी, उसको जो ना गाइस जहाँ पे हमको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं था। हमको जो ना आजू बाजू जो टेरेट लगा रखे थे ना गाइस, वो सारे के सारे टेरेट जो ना गाइस तोड़ने का काम करना था, तो वही काम जो ना गाइस हम लोग ने यहाँ पे शुरू कर दिया। सीपुर से टेरेट उड़ाने का काम जो ना गाइस वो तो अपन से हो नहीं रहा था, इसलिए जो ना गाइस मैंने जो ना गाइस यहाँ पे उन लोगों जो हमारे अलायंस वाले बंदे उनको बोला कि तुम टेरेट उड़ाओ, हम जो ना आप यहाँ पे पैरासिटामोल से जो ना गाइस ये सारा का सारा जो इनका एमो है ना गाइस वो सोखने का काम करते। तो गाइस यहाँ पे काफी टाइम तक जो ना गाइस ये सारी की सारी जो इनकी टेरेट है ना गाइस उनके अंदर का एमो जो ना खत्म होने का इंतजार हम करते रहे। और गाइस जैसे भाई इनके टेरेट के अंदर का जो एमो है ना गाइस वो खत्म हुआ, हम लोग ने जो ना गाइस उनकी पूरी की पूरी जो टेरेट है ना गाइस वो यहाँ पे एक साइड की, सिर्फ एक साइड की पूरी टेरेट है ना गाइस वो उड़ा डाली, क्योंकि हमको एक ही साइड से जो ना गाइस यहाँ पे उनके बेस के अंदर घुसना था और उनके बेस के ऊपर अटैक करना था। तो गाइज ये सारा का सारा काम करते करते जो ना गाइस तुम्हारा भाई काफी ज्यादा बार मरा, खास करके मैं और हैरी जो ना गाइस वो काफी ज्यादा बार मरे। जो हमारे अलायंस वाले बंदे थे ना गाइस वो पीपी वाले बंदे, उनको खेलना आता था, तो वो जो ना गाइस वो सिक्योर रह रहे थे, बट हम लोग जो ना काफी ज्यादा बार मर रहे थे। और मेरा आर्मर बार बार टूटे जा रहा था। और गाइस उसको जो ना गाइस हमारे पास, पहली बात तो हमारे पास कोई भी जो ना गाइस जहाँ पे असेंडेड वाले आर्मर की ब्लू प्रिंट नहीं थी, तो हम जो ना गाइस मैं और हैरी नॉर्मल वाला जो आर्मर है ना गाइस वही पहन के यहाँ पे जा रहे थे। बट हमने जो ना गाइज जो सामने की तरफ की सारी टेरिट है ना गाइज वो क्लियर कर दी थी, और वहां से अभी हम जो ना गाइज बड़े आराम से उसके बेस के ऊपर हमला कर सकते थे। बट गाइज तभी जो ना गाइज यहाँ पे उस बंदे ने जो ना गाइज अपने कुछ दोस्त लोग को बुलाया, और वो दोस्त लोग जो ना गाइज यहाँ पे आ गए वाइब्रेंट व्यूरेंस लेके, और उन लोग ने जो ना गाइज यहाँ पे हमारे जो पैरासिटामोल थे ना गाइज उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और इनकी हेल्थ देख सकते हो गाइज 30-40% बस हेल्थ बची हुई थी, और ये पॉइजन वाइब्रेंट जो ना गाइज वो 3-4 हजार का डैमेज जो ना गाइज वो हमारे इन सिटी मॉल को दे रहे थे। मेरे को लग रहा है इनके पास जो ना काफी ज्यादा हाई लेवल के और काफी ज्यादा तगड़े वाले जो ना गाइस वाइवरन थे, क्योंकि ये वाइवरन जो ना काफी तगड़ा वाला डैमेज दे रहे थे। तो गाइस जिन जिन पैरासिटामोल की जो हेल्थ है ना गाइस वो यहाँ पे कम हुई थी ना गाइस, उन पैरासिटामोल को मैं पटाख से जो ना गाइस अपनी जो शील्ड थी ना गाइस उस शील्ड के अंदर टीपी करके जो ना गाइस लेके आ गया, क्योंकि उनको भाई यहाँ पे हम मरवा नहीं सकते थे। अभी गाइज उनका बेस जो है ना गाइज वो एक साइड से ओपन हो गया था, तो हम यहाँ पे जो ना गाइज पैदल उनके बेस के एकदम नजदीक जाके चुंबी देके आ सकते थे वन साइड से गाइज। और मैं जो ना गाइज घर पे जाके जो ना गाइज कुछ टेक वाले ग्रेनेड लेके आ गया था। वैसे हैरी के पास टेक वाली जो भाई वो गन होती है ना गाइज वो थी, बट मैं जो ना टेक वाले ग्रेनेड और एक ग्रेनेड लॉन्चर लेके आया। मेरे को लगा टेक वाले ग्रेनेड जो ना गाइज उस ग्रेनेड लॉन्चर से जो ना गाइज हम यहाँ पे यूज कर सकते, बट मेरे को बाद में पता चला कि जो टेक वाले ग्रेनेड होते हैं वो जो ना गाइज हम लोग यहाँ पे हाथ में ना गाइस लेके बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, उसके लिए किसी ग्रेनेड लॉन्चर की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने टेक वाले ग्रेनेड जो ना गाइस वो लेके बेस के ऊपर डालना जो ना गाइस शुरू कर दिया, ताकि वो बंदे की जो शील्ड है ना गाइस वो वीक हो सके और वो गाइस यहां पे टूट सके। और यहां पे देख सकते हो हमारा जो स्टेगो है ना गाइस उसको जाला फेंक के जो ना गाइस फुल टू स्टन कर दिया गया था भाई। जग्गाड़ा को बेचारा यहां पे जो ना गाइस उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और मैं जो ना गाइस यहां पे जग्गाड़ा को भी जो ना थोड़े से आधे जो टेक वाले ग्रेनेड है ना गाइस वो दे दिए, और मैंने थोड़े से आधे टेक वाले ग्रेनेड अपने पास रख लिए, और उन ग्रेनेड से जो है ना गाइस उसकी शील्ड उड़ाने का काम मैंने चालू कर दिया। तभी गाइस आसमान से ग्रिफिन आया और साथ में मेरे को गाइस यहाँ पे भगवान के पास लेके चला गया। और मेरे पास गाइस उतना ज्यादा खास कुछ सामान नहीं था, हाँ बस मेरा जो ना गाइस यहाँ पे असेंडेड वाली जो फैब्रिकेटेड राइफल है ना गाइस वो यहाँ पे चली गई थी, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं बचा था। लेकिन गाइस अपन जो ना गाइस वापस से बेस पे गए, बेस पे मैंने जो ना रेप्लिकेटर के अंदर काफी ज्यादा टेक वाले ग्रेनेड जो ना गाइस वो बना के रखे थे, वो ग्रेनेड जो ना गाइस मैंने वापस से ले लिया। और इस बार में कोई
भी आर्मर जो ना गाइस वो पहनने नहीं वाला था, क्योंकि गाइस कितना भी आर्मर पहन लो भाई, ये लोग जो ना बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मार रहे थे। उसके बाद गाइस बेस पे जाने के बाद मैंने जो ना कुछ यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर और होमिंग मिसाइल भी बना दी। मेरे पास नॉर्मल वाली मिसाइल पहले थी, बट अभी मैंने जो ना गाइस होमिंग मिसाइल बना दी थी, ताकि जो भाई ग्रिफिन मेरे को बार बार मारने के लिए आ रहा है ना गाइस, उसको टारगेट लॉक करके यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेलम पाल दे सकूं। तो होमिंग मिसाइल लेके जो ना गाइस मैं निकल गया उस ग्रिफिन को मारने के लिए। और इस बार जो ना गाइस सिर्फ मैं नंगा ही घूमने वाला था, मैं कोई भी जो ना कपड़ा नहीं पहनने वाला था, क्योंकि कितना भी आर्मर बना लो ये लोग बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मार रहे थे हमको। तो मैं नंगा पुंगा होके जो ना गाइस निकल गया यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर से ग्रिफिन को मारने के लिए। बट पता नहीं सर्वर की सेटिंग गाइस हमने क्या कर रखी थी कि हम जो ना गाइस होमिंग मिसाइल से किसी भी डायनो को यहाँ पे लॉक ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी गाइस उस ग्रिफिन को लॉक करने की, काफी क्लोज रेंज में भी गया, बट ये जो ग्रिफिन है ना गाइस वो अपने होमिंग मिसाइल से जो ना गाइस यहाँ पे लॉक ही नहीं हो रहा था। तो गाइस मैंने जो ना गाइस उस ग्रिफिन को मारने की काफी ज्यादा कोशिश करी, रॉकेट लॉन्चर के बहुत सारे गोले जो ना गाइस उसके ऊपर गाइस यहाँ पे मैंने फेंकने की कोशिश करी, बट गाइस उस चीज का जो ना गाइस यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ ज्यादा ही प्रो था और वो अपने ग्रिफिन को जो ना गाइस सही से बचा रहा था, प्लस उसका एम जो ना गाइस वो भी काफी ज्यादा तगड़ा वाला था। और गाइस यहाँ पे पता नहीं कैसे मैं खुद ही जो ना गाइस खुद के रॉकेट लॉन्चर से मिल गया, मेरे को पता नहीं चला गाइस कैसे हुआ, क्योंकि भाई वहां की टेरेट हमने तोड़ रखी थी, तो उतनी दूर जो ना गाइस जहां से मैं रॉकेट लॉन्चर जा रहा था वहां तक तो उसकी गोलियां नहीं आनी चाहिए थी। बट गाइस मैं यहाँ पे मर गया था, और मैंने जो ना गाइस वापस से अपना रॉकेट लॉन्चर लिया और वापस से मैं निकल गया गाइस उस बंदे को और उस ग्रिफिन को मारने के लिए। और गाइस पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारे भाई ने जो ना गाइस खुद को वापस से रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे मैं मर कैसे रहा हूँ। अभी गाइस फाउंडेशन उड़ाने के बाद हमने जो ना गाइस एक छोटा सा टावर आगे की साइड जो ना गाइस बढ़ा के रख दिया था, बस उस बंदे ने जो ना गाइस अपने दिमाग लगा के क्या करा गाइस, उसने फाउंडेशन जो ना गाइस जैसे हमने उड़ाई वापस से वहां पे लगा डाली। तो गाइस टेरेट लगाते वक्त जो ना गाइस एनिमी फाउंडेशन का ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये वार्निंग नहीं आ रही थी, बट जब हम जनरेटर लगाने गए ना तब तक गाइस यहाँ पे वार्निंग आना चालू हो चुकी थी। और ये वार्निंग के रीजन से जो ना गाइस हम यहाँ पे जनरेटर लगा के अपने जो टेरेट टावर है जो कि आगे की तरफ बना के रखा था हमने, वो गाइस यहाँ पे चालू नहीं कर सकते थे। अभी जो गाइस यहाँ पे जो सामने वाला बंदा था ना गाइस, जो काफी ज्यादा तगड़ी वाली स्नाइपिंग कर रहा था, मैं भी एक नॉर्मल से जो स्नाइपर है ना गाइस वो लेके आया था और उसके ऊपर गोलियां मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बंदे के पास जो ना गाइस मेरे से काफी ज्यादा खतरनाक वाली स्नाइपर थी, और उसके स्नाइपर का यहाँ पे डायरेक्टली 3500 का डैमेज जो ना गाइस तुम्हारे भाई के ऊपर पड़ा था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी गाइस, क्योंकि इस बार मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं बस यहाँ पे भाई चड्डी में आया था और मेरे पास कुछ भाई टेक वाली ग्रेनेड ही देखा ली, तो मैंने अपना जो सारा का सारा सामान है ना गाइस वो वापस से ले लिया। और अभी जो ना गाइस हमारे थोड़े से एक दो बंदों की गेम क्रैश हो गए थे, उस रीजन से उन बंदों को जो ना गाइस सर्वर में वापस घुसने का हम इंतजार कर रहे थे। तो गाइस वो सारे के सारे बंदे जैसे गाइस सर्वर में घुसे, हमने वापस से अटैक करने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर दिया। और जो नई वाली फाउंडेशन उस बंदे ने गाइस यहाँ पे लगा रखी थी ना गाइस, वो सारी की सारी फाउंडेशन जो ना गाइस वो सीपुर से क्लियर करने का काम मैंने शुरू करा। अपने दो बंदे वहां पे जो ना गाइस उसके एमो जो है ना गाइस जो बची कुची एमो उसके टेरेट के अंदर थी सारे के सारे एमो जो ना गाइस वो खत्म कर रही थी। और हैरी जो ना गाइस वो वहां पे वो जो टेरेट के एमो खत्म हो रही थी उन टेरेट को डिस्ट्रॉय करने का काम फटाक से कर रहा था। तो सारे बंदे जो ना गाइस मिलके इस बेस के ऊपर जो ना एकदम खतरनाक वाला अटैक कर रहे थे। तो गाइस यहां पे अभी जो है ना गाइस हमने उनकी सारी की सारी टेरेट जो है ना गाइस और फाउंडेशन है ना गाइस वो उड़ा दी थी। एंड हमारे बीच में जो है ना गाइस अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत थी ना गाइस वो थी ये टेक वाली शील्ड। जैसे हम ये टेक शील्ड तोड़ते हैं ना गाइस वैसे ही भाई वो अंदर की तरफ जो भाई 200-300 कैनन लगा रखी थी उसने भाई टेरेट लगा रखी थी वो सारे हमारे ऊपर जो ना गाइस हमला बोल देती। तो हमको जो ना गाइस ये शील्ड वीक होने के बाद दूर से स्नाइप करके इस शील्ड को जो ना तोड़ने का काम करना था। तो मैंने टेक ग्रेनेड से और जो हमारे अलायंस वाले बंदे थे उन्होंने टेक वाली गन से जो ना गाइस इस शील्ड को तोड़ने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर दिया। अभी जो गाइस जिसका हम बेस उड़ा रहे थे उस बंदे ने जो ना गाइस अपना भाई पॉइजन वाला जो वाइब्रन है वो बाहर निकाला, बट हमारे अलायंस वाले बंदे के पास उस पॉइजन वाइब्रन को पेलने के लिए खतरनाक सी चीज थी। एंड वो चीज थी गाइस गीगा, उसका जो गीगा है ना गाइस वो 3000 लगभग 3500 का डैमेज जो ना गाइस वो यहाँ पे उस वाइब्रन के ऊपर दे रहा था। एक फटका जैसे उस वाइब्रन को बढ़ाना उस बंदे ने अपने वाइब्रन को वापस से बेस के अंदर जो ना गाइस जाके रख दिया। और हम लोग ने जो ना गाइस उसकी टेक शील्ड को जो तोड़ने का काम वापस से शुरू कर दिया। अभी ये जो ना गाइस कोई भी डायनो लेके हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि अपने अलायंस के पास एकदम तगड़ा वाला गीगा था। और मैंने भी जो ना गाइस अपनी गन से और गाइस टेक वाली ग्रेनेड से जो ना गाइस इस शील्ड को तोड़ने का काम एकदम फुल टू जारी रखा।
काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है ना गाइस फाइनली हमने देखा नहीं गाइस कि ये शील्ड वीक हो चुकी है। बट गाइस वो शील्ड जो है ना गाइस उसकी वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी थी और वो टूटने के बाद गाइस यहाँ पे मेरी पेटी भी बन चुकी थी। लेकिन टेंशन वाली बात कुछ नहीं थी गाइस क्योंकि यहाँ पे अभी जो ना गाइस असली फाइट जो ना वो शुरू होने वाली थी। अभी बस वो जो अंदर की तरफ उसकी भाई टेरेट लगी हुई थी ना गाइस उन टेरेट के एमो हमको खत्म करनी थी और जैसे उसके एमो खत्म वैसे उसका पूरा का पूरा बेस जो ना गाइस वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो मैंने अपना सारा का सारा सामान जो ना गाइस वो यहाँ पे इकट्ठा करा एंड गाइस अभी टाइम आ चुका था उसकी जो एमो है ना गाइस वो खत्म करने का। तो मैंने गाइस यहाँ पे अपना एक पैरासिटामोल जो है ना गाइस जिसकी हेल्थ थोड़ी सी कम भाई यहाँ पे बची हुई थी उस पैरासिटामोल को यहाँ पे जो ना बाहर निकाला और मैं गाइस यहाँ पे निकल गया गाइस उसकी बेस की तरफ ताकि मैं उसकी जो गन से ना गाइस उसके एमो खत्म कर सकूं। बट गाइस यहाँ पे एक साथ जो ना गाइस 100-200 गन जो है ना गाइस वो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मेरा जो पैरासिटामोल है ना गाइस उसकी हेल्थ भाई काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से जो ना गाइस यहाँ पे डाउन होना शुरू हो गई। बट गाइस हमको ऐसे करते करते जो ना गाइस इसकी एमो जो ना गाइस वो खत्म करनी थी। बट गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में गाइस एक चीज बोली थी पता है वो चीज ये थी गाइज कि हमारे सर्वर में पीवीपी कूलडाउन नहीं लगता है। मतलब आप जो है ना गाइज यहाँ पे फाइट के बीच में आपका स्ट्रक्चर जो है ना गाइज वो बना सकते हो जो भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है वो वापस से भाई यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो और लगा सकते हो और वही चीज वापस से उस बंदे ने करी और इस बार इसने जो है ना गाइज वापस से यहाँ पे एक टेक वाली शील्ड जो है ना गाइज वो बना ली। हमको इसकी टेक वाली शील्ड जो है ना गाइज वो तोड़ने में यहाँ पे पूरे के पूरे लगभग बोल सकते हो आप भाई 1 से 1.5 घंटा लगा। बट उसने जो है ना गाइज 10 सेकंड के अंदर वापस से जो ना गाइस यहां पे अपनी जो शील्ड है ना गाइस वो बना ली। प्लस उसके साथ साथ उसने जो ना गाइस सामने की तरफ जो ना शील्ड के बाहर सामने की तरफ जो भी हमारे जो सारे के सारे टेरेट हमने उड़ा के रख दिए थे ना गाइस वो सारे के सारे टेरेट वापस से लगा के उसके अंदर जो ना गाइस सारे के सारे एमो भी फिल कर दी। मतलब इतने घंटों से हम जो ना गाइस उसके बेस के ऊपर जो अटैक कर रहे थे गाइस वो पूरा का पूरा वेस्ट हो चुका था। हम जो ना गाइस वापस से उसकी शील्ड तोड़ते उसके एमो जो ना गाइस बेस की वो खत्म करते बट भाई उसके बाद वापस से वो बंदा जो ना गाइस अपनी शील्ड बनाता एंड वापस से सारे के सारे टेरेट के अंदर जो ना गाइस एमो डाल देता। तो ये काफी ज्यादा बड़ी वाली दिक्कत जो ना गाइस वो हमारे लिए यहाँ पे साबित हो रही थी। तो गाइस हम लोग ने जो ना गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानी। हमने जो ना गाइस वापस से उसका बेस डिस्ट्रॉय करने का काम जो ना गाइस वो शुरू करा। हमने उसकी फाउंडेशन उड़ाई जो भाई बाहर की तरफ उसने टेरेट लगा रखी थी उन सबकी जो ना गाइस एमो खत्म करी। उसके अंदर की जो भाई एमो खत्म होने के बाद जो टेरेट थी वो सारी की सारी टेरेट उड़ाई। बट वो बंदा जो ना गाइस वापस से नंगा होकर आ रहा था टेरेट लगा जा रहा था और गाइस टेरेट लगा लगाते ना भाई हम लोग उसको मार रहे थे। बट वो वापस अंदर जाके ना वो बाहर जो टेरेट लगा रखी है ना गाइस वो रिफिल कर रहा था एंड उस रीजन से जो ना गाइस हमको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लगभग भाई 3 से 4 घंटे तक जो ना गाइस ये रेड गाइस यहाँ पे चली। बट गाइस एट द एंड गाइज हम वहीं पे थे जहाँ से हमने स्टार्टिंग में चालू करा था गाइज। वो बंदा वापस से वो बार बार चीजें लगा रहा था एंड हम जो ना गाइज उसमें कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तो गाइज ये जो ना गाइज सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर्वर की थी और गाइज मेरे जैसे नूब के लिए ये जो है ना गाइज बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मेरे को पीवीपी के बारे में कुछ पता नहीं है। जो हमारे अलायंस वाले बंदे है गाइज उनके साथ में जो ना गाइज मिलकर हम उस बेस को उड़ा रहे थे। बट गाइज फिर भी जो ना गाइज हमको काफी ज्यादा गाइज दिक्कतों का सामना जो ना यहाँ पे करना पड़ रहा था। तो एट द एंड भाई 2 से 3 बार और ट्राई करने के बाद जो ना गाइस हमको पता चल गया कि हम जो ना गाइस इस बेस को उड़ा नहीं सकते क्योंकि जितना भी हम इसको उड़ाए ये वापस से बिल्ड करता जाएगा। तो जब तक गाइस हम सर्वर की सेटिंग गाइस और वो कूलडाउन वाली सेटिंग है गाइस वो ठीक नहीं करते तब तक जो ना गाइस हम उस बंदे का जो बेस है ना गाइस उसको उड़ा नहीं सकते। तो गाइस हमने जो हमारी रेड थी ना गाइस वो यहीं पे स्टॉप कर दी। जो भी हमारे डायनोस यहां पे घायल हो गए थे जिनकी हेल्थ कम थी उनको हमने वापस से जो ना गाइस बेस पे छोड़ा एंड उनका ब्रीडिंग का काम जो ना गाइस हमने वहां पे चालू कर दिया। और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे हमारा ये सफर जो है ना गाइज वो भी हो जाता है खत्म समाप्त टाटा बाय बाय गुड बाय। हम जो है ना गाइज आज यहाँ पे कोई भी बेस उड़ा नहीं पाए क्योंकि सर्वर में पहली बात तो हम जो है 15 दिन लेट घुसे भाई। सर्वर चालू के 15 दिन हो चुके थे तो गाइज आपको पता होगा 15 दिन में तो बंदों ने काफी ज्यादा तगड़े वाले बेस बना दिए थे। एक बेस मिला था ओपन में हमको लेकिन गाइज सर्वर का थोड़ा सा जो है ना इश्यू होने के कारण पीवीपी कूलडाउन ना पड़ने के कारण वो बंदा जो भी चीज हम भाई तोड़ रहे थे वो वापस से बिल्ड करे जा था एंड उस रीजन से जो ना गाइस हम लोग उस बंदे का जो बेस है ना गाइस वो यहां पे उड़ा नहीं पाए और हमको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। हमने काफी ज्यादा बार जो ना गाइस यहां पे ट्राई करा वहीं पे उसका बेस उड़ाने में जो ना गाइस मेरे को पता नहीं कितने दिन निकल गए लेकिन आप वीडियो में देख सकते हो कभी रात होती कभी सुबह होती कभी रात होती सुबह होती तो काफी ज्यादा दिन जो ना गाइस उस बंदे के बेस उड़ाने में और मैक्स टू मैक्स हमारे दिन जो ना डायनो को हील करने में उनकी ब्रीड करने में एंड गाइस उनको इम्प्रिंट करने में निकल गए। और हमारा जो भाई 100 दिनों का सफर है ना गाइस वो यहीं पे खत्म होता है। अगर गाइस
आपको आर्क सर्वाइवल इवॉल्व नूब पीवीपी हावे से पूरी की पूरी वीडियो जो है ना गाइस वो नूब पंथी का काम ही करा अपन ने पूरी की पूरी वीडियो में। तो गाइस आपको ये नूब पीवीपी की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइस। और गाइस इस वीडियो में इस भाई अपन को जो है ना गाइस पीवीपी में इस 100 डेज में ना काफी ज्यादा चीजें अलग अलग सीखने को मिली, कौन सी चीज कहां पे लगानी चाहिए, क्या चीजें कहां पे करनी चाहिए, वो सारी चीजें जो ना गाइस हमको यहां पे इस भाई 100 दिनों में सीखने को मिली है। और ऐसे अपन नूब से जो ना गाइस धीरे-धीरे करके प्रो बनते जाएंगे और उसके बाद आपको प्रो वाला गेम प्ले देखने को मिलेगा। बट गाइस आने वाले एपिसोड में भी आपको जो ना गाइस ऐसे नूब वाला हां थोड़ा सा इंप्रूव होगा गेम प्ले, बट ऐसे नूब वाला गेम प्ले देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, तो गाइस आज की जो नूब पीवीपी की वीडियो है गाइस वो आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और 5000 लाइक का है, अगर आपको इसका 200 डे वाला एपिसोड चाहिए तो गाइस फटाफट से भाई यहां पे 5000 लाइक कर देना। जैसे 5000 लाइक गाइस इस वीडियो को हो जाएंगे वैसे मैं इसका 200 डे सर्वाइवल वाला वीडियो जो है ना गाइस वो अपलोड कर दूंगा। और सारे बंदे जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं अगर एक साथ आप लाइक का बटन दबा दोगे ना तो गाइस 5000 लाइक जो है ना गाइस वो गाइस यहां पे फटाक से कर देना। और पीवीपी से रिलेटेड अगर आपको कुछ मेरे को सजेशन देने कि भाई यहां पे ये चीज करो अच्छा रहेगा तो वैसी चीजें जो ना गाइस मेरे को कमेंट में भाई आप जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के तो तुम्हारा भाई प्रो बनेगा। तो गाइस और एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग भी देने के चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे अपनी डेली आर्क की और अलग अलग गेम्स की वीडियो आती रहती है गाइस। तो तुम्हारे भाई के अगर आपको डेली वीडियो देखनी है तो एनी के चैनल पे जाके आप देख सकते हो ना मेरे बातची लोग। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का जो एपिसोड है गाइस हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क नूब पीवीपी 100 डेज का वो यही पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we were